कमाने के सपने देखते थे। ऐसे में हीरा चंदानी ट्रस्ट ग्रुप के मेंबर्स ये अच्छे से जानते थे कि पैसों की कितनी अहमियत है। ये 50 करोड़ रुपये जो सिर्फ इवेल्यूएशन असेसमेंट के लिए रखे गए थे, इनका ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ये डायरेक्ट बिजनेस ग्रुप के स्टॉक होल्डर्स के अकाउंट से कैंडिडेट के अकाउंट में ट्रांसफर होते थे। इस बात से स्टॉक होल्डर भी काफी सतर्क रहते हैं, क्योंकि अपनी मेहनत की कमाई कोई भी ऐसे ही नहीं दे देता था। हीरा चंदानी ग्रुप इस ट्रेडिशन को सालों से निभाते आ रहा था और अब तक इसकी बदौलत काफी माहिर लीडर्स को चुना गया था। हीरा चंदानी के फाउंडर हर्ष हीरा चंदानी ने जब अपने वारिस को चुना था तो उन्होंने कोई भी इवेल्यूएशन नहीं किया था, जिसकी वजह से हीरा चंदानी ग्रुप को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद हीरा चंदानी ग्रुप ने डिसाइड किया कि सिर्फ अपनी फैमिली तक ही बिजनेस को सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि इस बिजनेस में वो स्टॉक होल्डर्स की मदद लेंगे जो उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, और साथ ही साथ ये भी डिसाइड करेंगे कि हीरा चंदानी ग्रुप का लीडर किसको बनाया जाए। ऐसा नहीं था कि सिर्फ हीरा चंदानी परिवार से ही किसी मेंबर को लीडर चुना जाएगा, लेकिन पहली प्रेफरेंस परिवार के सदस्यों को मिलती थी। इसके बाद अगर कोई काबिल आदमी नहीं मिलता तो स्टॉक होल्डर आपस में डिस्कस करके किसी दूसरे इंसान को लीडर बनाते थे। पिछली 5 जनरेशन से हीरा चंदानी परिवार के सदस्य को ही लीडर चुना जा रहा था, क्योंकि उनके अंदर वो सभी क्वालिटीज थी जो कि एक लीडर में होनी चाहिए। स्टॉक होल्डर्स जिन्हें हीरा चंदानी ग्रुप का कर्ता धर्ता भी कहा जाता था, तो आखिरी फैसला उन्हीं का होता था कि किसे लीडर बनाया जाएगा। ये पूरी प्रोसेस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक तरीके से होती थी, ताकि किसी को भी इससे प्रॉब्लम ना हो और आगे चलकर कोई ये ना कह सके कि लीडर को गलत तरीके से चुना गया है। हीरा चंदानी ग्रुप में हर चीज ट्रेडिशन के ऊपर डिपेंड करती थी, और सदियों से चले आ रहे अपने ट्रेडिशन को बरकरार रखने के लिए हीरा चंदानी ग्रुप के बोर्ड ऑफ मेंबर्स बहुत मेहनत करते थे। हीरा चंदानी ग्रुप के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके किसी ट्रेडिशन को बदला गया हो या फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन किया गया हो। जैसा पहले होता था आज भी वैसा ही होता है। ध्रुव के पिता हीरा चंदानी ग्रुप के ट्रेडिशंस को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत में अपने बेटे को एक्नोलेज किया, ताकि उनके बेटे को भी लीडर बनने का मौका दिया जाए। लीडर बनना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम था, क्योंकि हीरा चंदानी फैमिली के हर मेंबर को वैसे भी बहुत खतरा होता था। उनके पैसे ही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा थे। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग थे जो पावरफुल फैमिलीज के मेंबर्स को किडनैप करके अपनी मांगे पूरी करवाना चाहते थे। ऐसे काम अक्सर राइवल्स और ऐसे बिजनेसमैन करवाते थे जिनकी डील्स कभी टूट गई हो या जिन्हें बिजनेस में काफी नुकसान उठाना पड़ा हो। ध्रुव ने ऑफिस जाने के लिए एक बहाना सोच लिया था, अपनी माँ को बताने के लिए। उसने अपनी माँ को बताया था कि अब वो एक इंटर्नशिप कर रहा है और उसके लिए उसे कभी कभी ऑफिस जाना पड़ता है। उसके इस झूठ की वजह से उसकी माँ को उसके घर पर ना रहने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। उस दिन सुबह से लगातार शिवानी के फोन आ रहे थे। जितना नर्वस ध्रुव था उससे कहीं ज्यादा नर्वस शिवानी थी। शिवानी ने उसे बताया था कि आज वो कुछ फॉर्मल पहने, ध्रुव टी शर्ट और जींस में ग्रुप के सामने प्रेजेंटेशन ना दे। ध्रुव को ये बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन शिवानी के इंसिस्ट करने पर वो अपने एक पुराने सूट को पहनकर तैयार हो गया। अपने बेटे को सूट बूट में तैयार होते देख उसकी माँ ने उससे पूछा, आज कहीं पार्टी है क्या? ध्रुव ने कहा, आई दरअसल आज ऑफिस में एक इवेंट है, इसलिए उन्होंने बोला है कि कुछ डिसेंट पहन कर आओ, तो मैंने सोचा कि ये सूट किस दिन काम आएगा। ध्रुव की माँ ने उसके कॉलर को ठीक करते हुए कहा, बहुत स्मार्ट दिख रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम अभी से अपने करियर को लेकर इतने सीरियस हो। माँ की तारीफ सुनकर ध्रुव खुश हो गया। ध्रुव ने अपनी माँ को बताया कि आज कुछ लोगों के सामने उसे प्रेजेंटेशन भी देना है। माँ ने उसे कुछ टिप्स दिए जो उनके हिसाब से जरूरी थे। सुबह का नाश्ता करने के बाद ध्रुव ने अपनी माँ के पैर छुए और उनके आशीर्वाद लिए, तो ध्रुव की माँ ने कहा, मैं जानती हूं तुम नर्वस हो, लेकिन घबराने की बात नहीं है। बचपन से तुम बहुत बड़बोले थे, इसलिए आज भी तुम अच्छा ही बोलोगे। अपनी माँ से आशीर्वाद लेने के बाद ध्रुव ड्रॉप पॉइंट पर एस्कॉर्ट टीम का वेट करने लगा। थोड़ी देर में एस्कॉर्ट टीम उसे लेने आ गई। आज ध्रुव के साथ शिवानी भी थी। उसने
एक प्रोफेशनल सूट पहना हुआ था। ध्रुव के गाड़ी में बैठते ही शिवानी ने उसे एक पेपर देते हुए कहा, मैंने इसमें प्रेजेंटेशन के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन्हें अच्छे से मेमोराइज कर लो, वहां पर हम कुछ भी भूलते हैं तो ठीक नहीं रहेगा, ध्रुव ने कहा। क्या आपको ये लगता है कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन ठीक तरह से याद नहीं की? शिवानी ने कहा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये पहली बार होगा जब तुम इतने बड़े लोगों के सामने बोलने वाले हो, हमें तैयार तो रहना ही होगा, ध्रुव ने कहा। मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करूंगा, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, शिवानी ने कहा। वो सब ठीक है, लेकिन प्लीज मुझे वहां पर आप कहकर मत बुलाना, मुझे मेरे नाम से ही एड्रेस करना, ध्रुव ने कहा। एक बात बताऊं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, अगर हम अपने ट्रेडिशन को भूल गए तो हम चाहे कितने भी परफेक्ट हो, हमारे अंदर कोई यूनिकनेस नहीं होगी। हीरा चंदानी ग्रुप अपने ट्रेडिशंस को जानता है और उसी तरह मुझे भी अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करना होगा। जब मैं इस लायक हो जाऊंगा कि आपको आपके नाम से एड्रेस कर सकूं, तब मैं आपको आपके नाम से बुलाया करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं अपने बारे में कोई बात बदलना नहीं चाहता। इन दिनों में शिवानी ने देखा था कि ध्रुव के अंदर कुछ बातें तो अच्छी थी, लेकिन कुछ बातें खराब भी। ध्रुव हर वक्त काम को लेकर सीरियस रहता था, इसीलिए पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता था। ध्रुव को पब्लिसिटी की आदत नहीं थी, इसीलिए उसे कैमरे के सामने आने में थोड़ी दिक्कत होगी। ये सब बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितना ध्रुव की बिजनेस थिंकिंग थी। उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता था जैसे वो बिजनेस के बारे में सब कुछ जानता था। अपनी टीम के साथ ध्रुव ने साबित कर दिया था कि वो एक प्रोफेशनल आदमी है और किसी भी टीम को लीड कर सकता है। उसकी टीम में सभी लोग ध्रुव को बहुत सीरियसली लेते थे, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो उन्हें पैसे देता था, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि ध्रुव कॉरपोरेट जगत को बदल कर रख देगा। ध्रुव बिल्कुल भी उन लोगों की तरह नहीं था जिन्हें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब था, बल्कि उसके लिए प्रॉफिट का मतलब कंपनी के साथ देश का डेवलपमेंट भी था। ध्रुव ने इस हफ्ते में जो प्रोडक्टिविटी दिखाई थी वो कमाल की थी। अगर उन लोगों के पास फंड्स होते तो वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना भी शुरू कर चुके होते, लेकिन क्योंकि उन्हें सबसे पहले अपने बिजनेस प्लान को पेश करना था, इसलिए उन्हें थोड़ा इंतजार तो करना ही होगा। अब सब कुछ ध्रुव पर निर्भर करता था, या तो वो सक्सेसफुल होगा या फेल हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ध्रुव एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर खड़ा था जो धूप में चमक रही थी। इस बिल्डिंग का नाम एम्प्रेस टावर रखा गया था और यहां पर हीरा चंदानी ग्रुप की कंपनी मार्क्सन रियल एस्टेट एंड कॉरपोरेशन का ऑफिस था। भारत की कुछ सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में से एक मार्क्सन रियल एस्टेट कंपनी अपने नाम से जानी जाती थी। एम्प्रेस टावर को भी इसी कंपनी ने बनाया था। ऐसे ही कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाने का प्लान हो रहा था। भारत में बहुत कम स्काईस्क्रेपर्स है और उनमें से एक एम्प्रेस टावर था।
5600 करोड़ थी, भारत में अमीरों की गिनती में आने वाले तीसरे इंसान। अवनीश के पास हर जगह काम करने का एक्सपीरियंस था। उन्होंने एक इंटर्न के तौर पर कॉरपोरेट वर्ल्ड में शुरुआत की थी। एक मामूली से इंटर्न से आज भारत के तीसरे बड़े आदमी बनने तक का उनका स्ट्रगल उन्हें बहुत कुछ सिखा चुका था। अवनीश कपूर हीरा चंदानी ग्रुप के बोर्ड मेंबर्स में से एक थे और उनकी कही बात को कोई भी टाल नहीं सकता था, यहां तक कि हीरा चंदानी परिवार का कोई सदस्य भी नहीं। ध्रुव के रास्ते में अवनीश कपूर नाम का पहाड़ खड़ा था, क्योंकि अवनीश को हर चीज परफेक्ट चाहिए होती थी। उन्हें कन्विंस करना नामुमकिन था, क्योंकि उन्हें हर चीज में इम्परफेक्शन नापसंद था। इसके अलावा वो हर किसी को एक तरह से ट्रीट करते थे, चाहे उनके सामने लीडर ही क्यों ना हो। उन्हें किसी से भी अपनी झूठी बढ़ाई करवाना बिल्कुल पसंद नहीं था, और जो कोई भी ऐसा करने की कोशिश करता था उसे कंपनी से निकाल दिया जाता था। इतने बड़े आदमी को इम्प्रेस करना, वो भी सिर्फ एक प्रेजेंटेशन देकर, सच में एक बड़ा टास्क था। शिवानी ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, ध्रुव कुछ भी हो जाए ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, और अगर गलती हो जाए तो उसे वहीं के वहीं एडमिट कर लेना। अवनीश सर को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और झूठ बोलने वालों से उन्हें सख्त नफरत है। क्या ध्रुव अपने पहले टास्क को कंप्लीट करने में कामयाब होगा? क्या ध्रुव अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दे पाएगा? और सबसे जरूरी, क्या उसका बिजनेस प्लान बिजनेस ग्रुप को पसंद आएगा, या फिर अवनीश कपूर ध्रुव के आइडिया को रिजेक्ट कर देंगे? जानने के लिए सुनते रहिए शिवानी की बातें। सुनने के बाद ध्रुव के लिए ध्यान रखने वाली बातों की लिस्ट लंबी होती जा रही थी। इससे बुरा यह था कि जिन लोगों के सामने आज वो प्रेजेंटेशन देने वाला था, वो सभी अपने फील्ड के माने हुए लोग थे। उनके पास एक्सपीरियंस था और वो सब ध्रुव से ज्यादा नॉलेज रखते थे। ऐसे में ध्रुव के लिए ये टास्क और भी मुश्किल होता जा रहा था। ध्रुव ने एक लंबी सांस ली और सोचा कि उन लोगों के सामने जाने के बाद वो ऐसा सोचेगा ही नहीं कि उसके सामने इतने एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं। ध्रुव ने इससे पहले क्लास में प्रेजेंटेशन दी थी, लेकिन क्लास में प्रेजेंटेशन देना और इतने बड़े लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देना, दोनों में बहुत अंतर था। ध्रुव और शिवानी ऑफिस के अंदर गए और सीधा लिफ्ट की तरफ चले गए। वहां पर मौजूद स्टाफ शिवानी को अच्छे से जानता था, इसलिए किसी ने उन्हें लिफ्ट की तरफ जाने से नहीं रोका। लिफ्ट में एंटर करने के बाद शिवानी ने 10वें फ्लोर का बटन दबाया और लिफ्ट तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। ध्रुव धीरे धीरे नर्वस हो रहा था। उसके दिल की धड़कन कई गुना तेज हो गई थी। लिफ्ट में मौजूद एयर कंडीशन के बाद भी उसे गर्मी लग रही थी और पसीना आ रहा था। ध्रुव ने अपने आप को शांत किया और अपने पिता को याद करने लगा। ध्रुव ने सोचा कि कभी तो उसके पिता ने भी यहां पर आकर प्रेजेंटेशन दिया होगा। ये सब कुछ आज उसके लिए एक चुनौती थी, और अगर वो इस चुनौती में कामयाब हो गया तो किसी को उसकी काबिलियत पर शक नहीं होगा। ध्रुव अपने आप को साबित करने के लिए यहां आया था, इसलिए उसे इस बात को याद रखना होगा कि अगर वो डर गया तो उसमें और बाकी लोगों में कोई अंतर नहीं रहेगा। लिफ्ट का दरवाजा खुला और ध्रुव और शिवानी दोनों लिफ्ट से बाहर आ गए। उनके सामने एक लॉबी थी जिसके एक कोने में रिसेप्शन बना हुआ था। रिसेप्शन डेस्क के पीछे मार्क्सन रियल एस्टेट का लोगो चमक रहा था। शिवानी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी कि उन्हें कहां जाना है, पहले से ही उसे वहां की पूरी जानकारी थी। रास्ते में जो कोई शिवानी को देखता उसे देख मुस्कुरा देता था, जिससे यह साफ था कि वहां हर कोई शिवानी को जानता था। कॉरिडोर से होते हुए वो लोग एक बड़े दरवाजे के बाहर आकर रुक गए, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कॉन्फ्रेंस हॉल। शिवानी ने ध्रुव से आखिरी बार कहा, ओके ध्रुव, दिस इज इट। अब यहां से सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। याद रखना, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, इसलिए तुम्हें कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो मेरी तरफ देखना, मैं सब संभाल लूंगी। ध्रुव को यह जानकर बहुत राहत मिली कि शिवानी उसके साथ रहेगी। शिवानी ने कॉन्फ्रेंस हॉल के दोनों दरवाजे को खोला तो ध्रुव के सामने एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस रूम था। उस रूम के लेफ्ट साइड में ग्लास पैनल की दीवार थी, जिससे आर पार का नजारा देखा जा सकता था। रूम के बीचों बीच एक बड़ी टेबल थी और उसके दोनों तरफ कुर्सियां लगी हुई थी।
वहां पर 20 लोग बैठे हुए थे और रूम के सबसे एंड में बैठे हुए थे अवनीश कपूर। उन्होंने चश्मा पहना हुआ था और वो ध्रुव को ही देखकर मुस्कुरा रहे थे। ध्रुव को छोड़कर सब लोग वहां महंगे टेलर्ड सूट में थे और उन्होंने अपनी कलाइयों पर महंगी घड़ियां पहनी हुई थी। ध्रुव चुपचाप हॉल में आया तो उसने अपने ठीक पीछे एक बड़ी सी स्क्रीन को देखा जो फिलहाल बंद थी, लेकिन कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। ये देखो, पता नहीं कितने टाइम से इसने अपने सूट को ड्राई क्लीन नहीं करवाया होगा। मुझे पहले ही शक था कि एक मिडिल क्लास लड़का हीरा चंदानी ग्रुप का लीडर कैसे बनेगा। इट्स इम्पॉसिबल। वहां पर कुछ लोग ध्रुव को देखकर हंस भी रहे थे और ये सब देखकर ध्रुव एम्बेरस हो रहा था। फिर अवनीश कपूर ने भारी आवाज में कहा, ध्रुव तुम्हारा हमारे ऑफिस में वेलकम है, फील फ्री। अगर तुम्हें हम लोगों से कुछ भी पूछना है तो तुम पूछ सकते हो। ट्रस्ट मी, हम सब तुम्हारे बिजनेस प्लान को सुनने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। अवनीश के ये कहते ही रूम में शांति छा गई और वहां पर बैठा कोई भी आदमी कुछ नहीं बोल पाया। इस बात से साफ था कि अवनीश कितनी बड़ी पोजीशन पर थे और उनकी बात को कितना सीरियसली लिया जाता था। एक लीडर की यही क्वालिटी होती है कि उसके कहने पर पूरा रूम एकदम शांत हो जाना चाहिए। ध्रुव ने लंबी सांस ली और कहा, थैंक यू सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। अगर आप बुरा ना माने तो अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करने के बाद मैं आपका ऑटोग्राफ जरूर लूंगा। ध्रुव की बात सुनकर अवनीश ने हंसते हुए कहा, नो प्रॉब्लम ध्रुव। ध्रुव ने शिवानी को इशारा किया और शिवानी ने तुरंत एक पेन ड्राइव निकाली और वहां साइड में रखे एक सिस्टम में लगा दी और ध्रुव की प्रेजेंटेशन को लोड कर दिया। कुछ ही देर में स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिखने लगे। ध्रुव ने स्क्रीन की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, यह है हमारा प्रोजेक्टेड फिगर जो कि हमने एक साल के लिए रखा है। बिजनेस इज चेंज और जब तक हम चेंज के साथ नहीं चलेंगे तो प्रॉफिट हमें नहीं मिल सकता। आप लोगों को 30 मिनट में ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैंने और मेरी टीम ने मिलकर ये फिगर यहां कैसे लिखा है। अगले 30 मिनट में उस रूम में जो कुछ भी होने वाला था उसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। अवनीश कपूर अचानक उस लड़के में और उसकी बातों में कॉन्फिडेंस देखकर काफी इंटरेस्टेड हो गए थे। जब ध्रुव कॉन्फ्रेंस रूम में आया था तो उसके कपड़ों को देखकर और उसके चेहरे पर दिख रही नर्वसनेस को देखकर वहां मौजूद सभी लोग ये समझ रहे थे कि ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। उन सब लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से निकला एक लड़का इन्वेस्टमेंट के बारे में आखिर क्या बता पाएगा, लेकिन स्क्रीन पर दिख रही उस स्लाइड को पढ़कर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। जो टारगेट ध्रुव ने अपने लिए रखा था वो आज तक हिस्ट्री में किसी ने नहीं रखा था, इसलिए एक बार के लिए वहां मौजूद सभी लोग शॉक थे। लेकिन फिर उन लोगों ने रियलिटी के बारे में सोचा और उन सबको यही लगा कि वहां लिखा टारगेट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने कम एक्सपीरियंस के साथ एक नौ सिखिया इतना ज्यादा प्रॉफिट लेकर आएगा और वो भी एक साल के अंदर। उनका ऐसा सोचना भी गलत नहीं था क्योंकि वो जानते थे कि इतने सारे पैसे एक साल में कमाना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं हो सकता था, तो फिर आखिर ये लड़का कैसे करेगा। ध्रुव ने जो टारगेट रखा था वो था 1500 करोड़। किसी के लिए भी इतना बड़ा फिगर सोचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 50 करोड़ से 1500 करोड़ बनाना, वो भी एक साल में, किसी के लिए भी नामुमकिन हो सकता था। ऐसे में ध्रुव का इतना बड़ा फिगर डिसाइड कर लेना अपने आप में उसके ओवर कॉन्फिडेंस को दिखा रहा था। तो एक आदमी ने ध्रुव से पूछा, तुम्हें लगता है कि तुम 1500 करोड़ जैसा अमाउंट एक साल में कमा सकते हो? अनबिलीवेबल, मैं इस बात को कैसे मान लूं? ध्रुव ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, आई एम श्योर आप सभी लोगों को मेरे ऊपर डाउट हो रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, अपनी प्रेजेंटेशन में मैं आप सभी को समझा दूंगा कि हम इस टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मैं उन सब का आंसर दूंगा। ऑल आई नीड इज 30 मिनट्स। किसी ने इसके बाद ध्रुव से कुछ नहीं कहा और ध्रुव ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए आगे कहा, मेरा प्लान बहुत ही सिंपल है। एक टारगेट सेक्टर पर फोकस ना करते हुए अलग अलग टारगेट सेक्टर्स पर फोकस करेंगे ताकि हमें एक कंपनी नहीं बल्कि बहुत सी कंपनियां मिले। हमारे बिजनेस प्लान के लिए जो सेक्टर हमने डिसाइड किया है वहां पर आज तक हीरा चंदानी ग्रुप ने कभी इन्वेस्ट नहीं किया है। आई एम श्योर
आप सब पावर मार्केट के बारे में जानते होंगे। हमारा पहला टारगेट सेक्टर इसी पावर मार्केट में से है। ध्रुव की बात को वहीं काटते हुए वहां पर बैठे एक आदमी ने कहा, पावर मार्केट गवर्नमेंट की मोनोपोली में है। सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही है जो पावर मार्केट में सर्वाइव कर पा रही है, और उन्हें भी बहुत ज्यादा लॉस होता है। इसके अलावा वहां बहुत सारी लाइसेंस कंपनी में से कुछ शेयर्स मिल जाएंगे, और जब प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा तो हम उसके कुछ महीनों बाद कंपनी को टेक ओवर कर लेंगे। प्लांट में बनने वाली सस्ती बिजली को सरकार को बेचकर हमें फायदा होगा, साथ ही साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी में सरकार का सहयोग भी कर रहे होंगे, जिसकी वजह से हमारे ग्रुप की इमेज इम्प्रूव होगी। कुछ टाइम बाद हम इस प्लांट को बेचकर और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद ध्रुव ने अपने प्लांट को एक्सप्लेन करते हुए आगे बताया कि वो रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा एनर्जी स्टोरेज में भी इन्वेस्ट करने वाला है। इसके अलावा उसकी नजर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी थी, जो अभी बिल्कुल नया सेक्टर था और वहां पर ज्यादा कंपनियां नहीं थी। शुरुआत में ध्रुव को बहुत से सवालों के जवाब देने पड़े, लेकिन जैसे जैसे उन सभी लोगों ने ध्रुव की बात को ध्यान से सुना, उन्हें ध्रुव का विजन साफ दिखने लगा। वो पूरे रूम में घूम रहा था और उसकी हर बात डेटा और रिसर्च
आपस में वोटिंग करते थे ताकि डेमोक्रेटिक तरीके से कैंडिडेट की काबिलियत का फैसला हो सके। वहां पर बैठे हर मेंबर को एक एक वोट देने की पावर थी, इसलिए वहां किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं हो सकती थी। ध्रुव के सामने सभी लोगों ने वोट किया और वहां पर 20 में से 19 लोगों ने ध्रुव के फेवर में वोट दिया। तो अवनीश कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारे प्लान को अप्रूव कर रहे हैं। तुम्हारी टीम को हमें हर महीने स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। साथ ही साथ जब भी तुम्हारा प्लांट तैयार हो जाए हमें एक टूर जरूर देना। ध्रुव ने वहां पर मौजूद सभी लोगों से कहा, थैंक यू जो आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है। मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूं कि आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। इसी के साथ अवनीश कपूर अपनी कुर्सी से उठे और उन्होंने ध्रुव से हाथ मिलाते हुए कहा, तुम्हारे पापा को तुम पर बहुत गर्व होगा। तो ध्रुव ने अपनी नोटबुक अवनीश कपूर के सामने रखते हुए कहा, थैंक यू सर, अब क्या आप मुझे ऑटोग्राफ देंगे? ध्रुव की नोटबुक पर अवनीश ने ऑटोग्राफ दे दिया। जब ध्रुव और शिवानी फाइनली कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकले तो शिवानी किसी बच्चे की तरह उछल पड़ी। अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए उसने ध्रुव को गले लगा लिया और ध्रुव शिवानी के इस जेस्चर से हैरान हुआ, लेकिन फिर उसे भी लगा शिवानी का ये रिएक्शन नेचुरल है। शिवानी ने ध्रुव से पूछा, सच में ध्रुव, तुमने आखिर ये सब कैसे किया? ऐसा लग रहा था जैसे तुमने सब पर जादू कर दिया हो। ध्रुव के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि अभी जो हुआ वो उसने कैसे किया। फिर ध्रुव एम्प्रेस टावर से सीधा अपने ऑफिस गया और अपने पूरी टीम को वहां बुला लिया ताकि पर्सनली उन सभी को आगे के प्लान के बारे में बता सके। जब सभी टीम मेंबर्स को पता चला कि उनका बिजनेस प्लान अप्रूव हो चुका है तो वो सभी भी शिवानी की ही तरह एक्साइटेड हो गए। टीम के कुछ मेंबर्स ने पार्टी के लिए फरमाइश की, लेकिन ध्रुव ने उन सभी को शांत करते हुए कहा, मैं जानता हूं आप सभी लोग बहुत खुश होंगे और मैं भी बहुत खुश हूं, लेकिन हम सब लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमने अपने प्लान में जो टारगेट रखा है हर हाल में हमें उसको पूरा करना होगा। इस टारगेट के लिए हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना होगा। मैं चाहता हूं कि हम अगले 15 दिन में अपनी सभी डील्स को फाइनलाइज कर ले ताकि हमें जल्द से जल्द रिटर्न मिलने लगे। इसके लिए हमें पहले से डिसाइडेड कंपनीज को हर तरह से एनालाइज करना होगा और पता लगाना होगा कि कहीं हम गलत जगह इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। इस सब के लिए अगेन हमें बहुत सी रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ लीगल काम देखने वाले सभी लॉयर्स से मैं कहना चाहूंगा कि आप अभी से ही सभी फॉर्मेलिटीज और लॉ को अच्छे से देख लीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारी डील होने से पहले ही कोई बड़ी मुश्किल आ जाए। ध्रुव की बात टीम के सभी मेंबर्स बहुत ध्यान से सुन रहे थे और उन्होंने ध्रुव की तरह ही मोटिवेट होकर डील को फाइनलाइज करने के बारे में मन बना लिया था। तभी टीम के एक मेंबर जो कि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा, तो हम पार्टी नहीं करेंगे? ध्रुव, काम करना जरूरी है लेकिन सेलिब्रेट करना उतना ही जरूरी होता है। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सेलिब्रेट करेंगे जब हम 100 करोड़ पार कर लें। इसी के साथ टीम के सभी मेंबर्स और साथ में ध्रुव अपने अपने काम में लग गए। उस ऑफिस में ध्रुव के लिए अलग से एक कैबिन बनाया गया था जो कि वहां का सबसे बड़ा कमरा था। उस कमरे से बहुत ही शानदार व्यू दिखता था। कैबिन में ज्यादा कुछ पर्सनलाइज नहीं था क्योंकि ध्रुव वहां पर ज्यादा वक्त नहीं बिताता था, लेकिन उस कैबिन का पूरा एनवायरनमेंट ध्रुव को ये याद दिलाता था कि अब वो कितनी अलग सिचुएशन में है। अपने कैबिन में ध्रुव भी आगे के इम्प्लीमेंट में लग गया। थोड़ी देर बाद शिवानी वहां पर आई और उसने ध्रुव से कहा, ध्रुव क्या तुम पार्टी वगैरह से डरते हो? ध्रुव ने हंसते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन अभी खुशी मनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इन डील्स को कंप्लीट करना है। अगर हम अपने टारगेट से चूक गए तो हमेशा हमेशा के लिए नाकाबिल बन जाऊंगा। अपनी फैमिली में मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। अपनी आंखों में गिर जाना सबसे बुरा एहसास होता है। शिवानी ध्रुव की प्रॉब्लम समझती थी, पर उसे डर इस बात का लग रहा था कि आगे ध्रुव के लिए लोगों और मीडिया के बीच घिरे रहना प्रॉब्लम न बन जाए। हर सेलिब्रिटी को इस चीज से होकर गुजरना पड़ता है और हर कोई इसे अपनी तरह से हैंडल करता है। ध्रुव इस इश्यू को हैंडल कैसे करेगा, इस बात का डर शिवानी को लग रहा था। शिवानी के अंदर के डर को समझते हुए ध्रुव ने कहा, ट्रस्ट मी, अपनी सक्सेस की पार्टी देना मेरा सपना है, लेकिन उसे कब और किस समय देना है उसका डिसीजन मेरा होना चाहिए।
इसी के साथ शिवानी ने अपने अंदर के डर को फिक्र समझकर भूलते हुए अपने काम पर ध्यान देने का सोचा और उसने ध्रुव से पूछा, तो अब आगे का क्या प्लान है? एक तरफ जहां ध्रुव अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लगा हुआ था, वहीं दूसरी ओर एम्प्रेस टावर की बिल्डिंग के अंदर एक नई कॉन्स्पिरेसी की नींव रखी जा रही थी। ध्रुव के जाने के बाद कॉन्फ्रेंस रूम में अवनीश कपूर और उसके साथ के कुछ करीबी एसोसिएट्स बैठे हुए थे। बाकी सभी मेंबर्स वहां से चले गए थे क्योंकि उन्हें और भी बहुत से काम थे। वहां के ज्यादातर मेंबर्स वाइस प्रेसिडेंट या सीईओ की पोजीशन पर काम करते थे और इसके अलावा उनके खुद के वेंचर्स भी थे, इसलिए वो वहां पर ज्यादा देर तक नहीं रुक पाए। उनके एब्सेंस में अवनीश कपूर और बाकी के कुछ मेंबर्स इंपोर्टेंट मीटिंग ले रहे थे। वहां बैठे एक एसोसिएट ने अवनीश से पूछा, ये तो उल्टा ही हो रहा है, ऐसे तो हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। हम सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन मामला हमारे हाथ से निकल गया तो? अवनीश ने हंसते हुए कहा, कम ऑन, तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा काम अब भी आसान है और पहले भी आसान था, बस हमने एक गलती कर दी। रवेश हीरा चंदानी को अंडर एस्टिमेट कर लिया। हमें नहीं पता था कि हमारे दोस्त रवेश का कोई परिवार है और उसका अपना बेटा भी है। अगर पता होता तो हम अलग तरीके से काम करते, लेकिन अभी भी बात हमारे फेवर में ही है। ध्रुव अपनी फैमिली से अलग है और उसकी सोच भी अलग है, वो मेरा कहना कभी नहीं टाल सकता और मैं इसी चीज का फायदा उठाऊंगा। हम उसे लीडर बना देंगे और अपने आप हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो एक एसोसिएट ने अवनीश से पूछा, पर हमें क्या मिलेगा? हम तो आज भी मेंबर थे और कल भी मेंबर ही रहेंगे। अवनीश ने मुस्कुराते हुए कहा, आगे चलकर मैं खुद ग्रुप को टेक ओवर कर लूंगा और एक बार मैं लीडर बन गया तो हर चीज हमारे फेवर में होगी। कुछ मेंबर्स अवनीश के एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड थे, पर कुछ के मन में डाउट था कि क्या सच में ध्रुव उनके कहने पर चलेगा। रवेश हीरा चंदानी जानते थे कि उनका सबसे जिगरी दोस्त अवनीश कपूर हीरा चंदानी ग्रुप से बहुत टाइम से नाराज था और काफी लंबे टाइम से वो बोर्ड के दूसरे मेंबर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे थे। अवनीश कपूर खुद लीडर बनना चाहते थे, इसलिए सही मौके की तलाश में थे। रवीश हीरा चंदानी के जाने के बाद उन लोगों ने प्लान बनाया था कि एक बेस्ट कैंडिडेट न मिलने पर वो ग्रुप के रूल में फेरबदल करेंगे और एक बाहरी कैंडिडेट को लीडर बना देंगे। रवीश हीरा चंदानी नहीं चाहते थे कि अवनीश अपने प्लान में कामयाब हो, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को ये जिम्मेदारी दे दी। रवीश हीरा चंदानी ने अपने बेटे की प्रोग्रेस को देखा था और वो ये बात अच्छे से जानते थे कि ध्रुव से ज्यादा उनके बिजनेस के लिए और कोई बेटर नहीं होगा। रवीश अपने बाद एक ऐसे लीडर को देखना चाहते थे जो ग्रुप के अंदर चल रही पॉलिटिक्स को भी मैनेज कर सके और साथ ही साथ कंपनी में भी इम्प्रूवमेंट ला सके। इस तरह के इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से उनके ग्रुप में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अगर मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो फिर एम्प्लॉइज को भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा। इस समय हीरा चंदानी ग्रुप को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो उनके ग्रुप में यूनिटी ला सके। ध्रुव के आने से अवनीश का पुराना प्लान फेल हो गया था क्योंकि अभी तक तो उन्हें यही लगता था कि विवेक के अलावा और कोई काबिल कैंडिडेट नहीं है। अब सब कुछ बदल चुका था और उसी के साथ उन्हें भी बदलना था। विवेक भले ही एक्सपीरियंस था और वो हायर मैनेजमेंट को हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखता था, लेकिन उसके अंदर बिजनेस माइंड नहीं था। अवनीश चाहते थे कि उन्हें एक ऐसा लीडर मिले जिसे वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके और विवेक इस काम के लिए परफेक्ट था। अभी अवनीश कॉन्फ्रेंस रूम में ही बैठे थे कि तभी उन्हें रितेश हीरा चंदानी का कॉल आ गया। रितेश ने अवनीश से पूछा, तो कैसा लगा तुम्हें कचरे को देखकर? अवनीश ने हंसते हुए बोला, मुझे सच में मजा आया और वो भी बहुत टाइम के बाद। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहे हैं, मैं तुम्हें फ्री होकर सब कुछ बताता हूँ, रितेश ने कहा। ठीक है, आप घर ही आ जाइएगा, वहीं पर बैठकर डिस्कस कर लेंगे। अवनीश के मन में भी कहीं ना कहीं ये डाउट था कि अगर ध्रुव उनके कहे अनुसार नहीं चला तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अभी तक हीरा चंदानी ग्रुप में अपने हिसाब से सभी चीजों को हैंडल करवाने वाले रवीश हीरा चंदानी ही थे और उनके रहते अवनीश कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते थे। वो फिर से खुद को वैसे ही सिचुएशन में नहीं देख सकते थे। अवनीश को हर चीज अपने कंट्रोल में अच्छी लगती थी, इसलिए वो चाहते थे कि उन्हें कोई ऐसा मिल जाए
जिसको वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सके। अवनीश कपूर अपने प्लान में बहुत आगे थे। उन्हें पता था कि हो सकता है कि उनके रास्ते में कुछ मुश्किलें आ जाए, इसलिए उन्होंने सभी चीजों के बारे में पहले से ही सोच रखा था। हीरा चंदानी ग्रुप में आज एक बहुत ही फेवरेबल मौका था। ध्रुव के आ जाने के बाद परिवार के बहुत से सदस्य इस बात से बहुत नाराज थे कि रवीश हीरा चंदानी ने अपने परिवार को धोखा दिया और सभी लोगों को अंधेरे में रखा। रवीश के पिता नहीं चाहते थे कि किसी मामूली लड़की से उनके बेटे की शादी हो जाए, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बाद भी रवीश हीरा चंदानी ने परिवार की इजाजत के बगैर ही शादी कर ली और उसके बाद परिवार से अलग रहने लगे। इन सब बातों से रवीश के पिता उनसे बहुत नाराज हो गए और उन्होंने ठान लिया कि किसी भी तरह अपने बेटे को अपने पास वापस लेकर आएंगे। शादी तो हो चुकी थी, लेकिन अब इससे ज्यादा बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने रवीश के सामने शर्त रखी कि अपने लिए ना सही, लेकिन उनके लिए वो अपने परिवार को छोड़ दे। इन सब बातों में एक बात बहुत साफ थी कि कुछ लोगों को ध्रुव के पहला टेस्ट पास कर लेने से काफी दिक्कत होने वाली थी। ध्रुव के लिए यहां से सफर थोड़ा और मुश्किल होने वाला था। क्या ध्रुव अविनाश के इरादों को जान पाएगा? क्या होगा जब रविश को ध्रुव के बारे में पता चलेगा? क्या हीरा चंदानी ग्रुप में चल रही पॉलिटिक्स को ध्रुव कम कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। रविश हीरा चंदानी के पिता ने हर वो तरीका अपनाया जिससे उनका बेटा अपनी बीवी को छोड़कर वापिस उनके पास आ जाए, लेकिन उससे भी कोई बात नहीं बनी। जिंदगी में पहली बार रविश आजाद थे और वो हर चीज कर सकते थे जिसके लिए उन्हें सख्त मनाही थी। कैमरा और लाइमलाइट में रहने की वजह से बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती है जो प्राइवेट नहीं रहती, और इसी चीज से रविश को सबसे ज्यादा नफरत थी। रविश के पिता जब अपनी जिंदगी के आखिरी दौर से गुजर रहे थे, तब उन्होंने अपना आखिरी दांव खेला और किसी तरह अपने बेटे को अपने परिवार को छोड़ने के लिए मना लिया। रविश इस चीज के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने कभी अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ा और हर वक्त परिवार से छुपकर उनकी मदद करते रहे। रविश का मकसद बहुत पहले से ही यही था कि अपने परिवार के बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था हीरा चंदानी परिवार का फेमस होना, क्योंकि उनके बहुत से दुश्मन थे जिससे ध्रुव और उसकी मां को खतरा था। इस कारण से रविश ने अपने परिवार के बारे में कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। रितेश रविश के बारे में और उनके परिवार के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन उसे भी लगा कि उसका भाई अब कभी अपने परिवार से दोबारा मिलने की कोशिश नहीं करेगा। रविश का डिवोर्स होने के बाद पूरे परिवार को इस बात पर यकीन हो गया था कि रविश अब कभी अपने परिवार के पास दोबारा नहीं जाएगा। रविश खुद भी नहीं चाहते थे कि वो अपने परिवार को हीरा चंदानी ग्रुप की पॉलिटिक्स के बीच में लेकर आए, लेकिन एंड मौके पर उन्हें पता चला कि उनका अपना जिगरी दोस्त बहुत सालों से उनकी पीठ के पीछे हीरा चंदानी ग्रुप को टेक ओवर करने के सपने बुन रहा था। अवनीश के खिलाफ रविश हीरा चंदानी को बहुत से सबूत भी मिले थे, लेकिन अवनीश को सभी के सामने एक्सपोज करने की बजाय उन्होंने सोचा कि अब कुछ नया करने की जरूरत है। रविश अपने बेटे को काफी समय से ऑब्जर्व कर रहे थे और ध्रुव की प्रोग्रेस देखने के बाद उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि हीरा चंदानी ग्रुप को बचाने के लिए उनका बेटा सबसे परफेक्ट रहेगा। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि अवनीश के प्लान को ध्रुव कभी सक्सेसफुल नहीं होने देगा। समय रहते ध्रुव को अवनीश के बारे में सभी बातें पता चल जाएगी और हीरा चंदानी परिवार की सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। अवनीश इस बात को जानते थे कि आज नहीं तो कल ध्रुव उनके प्लान को और उनके इरादे को समझ लेगा, और जब ऐसा होगा तब उनके पास पीछे हटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। इस कारण से अवनीश ने बहुत सोचने समझने के बाद ये फैसला किया कि चाहे ध्रुव कितना ही अच्छा कैंडिडेट क्यों ना हो, विवेक को लीडर बनाने में ही उनका फायदा है। अवनीश कपूर बोर्ड में एक रिस्पेक्टेड पॉजिटिव होल्ड करते थे, इसलिए उन्हें इस बारे में पूरा यकीन था कि उनके फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। हीरा चंदानी परिवार में इस समय जो टेंशन चल रही थी उसे और बढ़ाने के लिए अवनीश चंदानी निवास पहुंच गए। रितेश अपने आलिशान एंडलेस स्विमिंग पूल में गोते लगा रहे थे और सामने एक चेयर पर सुमित्रा हीरा चंदानी बैठी हुई थी और अपनी शाम की ड्रिंक को एंजॉय कर रही थी। तभी एक सर्वेंट ने पूल के पास आकर कहा, सर अवनीश कपूर आए हैं। सुमित्रा हीरा चंदानी ने कहा, उन्हें यहां भेज दो और एक ड्रिंक लेकर आओ।
फिर रितेश पूल से बाहर निकला और पास में खड़े एक दूसरे सर्वेंट से टॉवेल लिया और अपने शरीर से पानी को पोंछते हुए बोला, आई होप कि अब यह चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। रितेश ने अपना रोब पहन लिया और अपनी पत्नी के बगल में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कुछ देर में वहां अवनीश कपूर आए और उनके एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि खबर अच्छी है। रितेश ने अवनीश से पूछा, क्या बात है, मैंने तुम्हें कभी इतना सीरियस नहीं देखा, कोई प्रॉब्लम है क्या? अवनीश एक दूसरी चेयर पर बैठे और एक लंबी सांस लेते हुए उन्होंने कहा, सॉरी यार, मैं उसके प्लान को रिजेक्ट नहीं कर पाया। ही इज ब्रिलियंट, उसने हमें कोई मौका ही नहीं दिया कि हम उसके प्लान को रिजेक्ट कर सके। सुमित्रा हीरा चंदानी हंसते हुए बोली, आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं अवनीश, लेकिन हमें ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अवनीश ने कहा, काश कि मैं मजाक कर पाता, पर रितेश तुम्हारे भाई ने बहुत सोच समझ कर ध्रुव को आगे किया है। वो तुम्हारे बेटे को कई मौकों पर पीछे छोड़ सकता है। कई मेंबर्स उससे बहुत इंप्रेस हुए हैं और वो एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि ध्रुव आगे क्या करता है। उसने 1500 करोड़ का टारगेट रखा है। रितेश इतना सुनकर गुस्से में अपनी चेयर से उठे और उन्होंने अवनीश से कहा, सो वॉट, मैंने तुम्हें एक काम करने के लिए कहा था अवनीश, और तुम वो भी नहीं कर पाए। कुछ भी कह देते वहां पर, तुम्हारी बात को कौन मना करता? अवनीश ने हंसते हुए कहा, इट्स नॉट दैट सिंपल, मैं कोई काम बिना एक्सप्लेनेशन के नहीं करता। मेरी सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। आई थिंक तुम्हें अपने बेटे को समझाना पड़ेगा कि वो अपने चचेरे भाई को अंडर एस्टिमेट करने की गलती ना करे। अगर विवेक हमें ध्रुव से बेटर रिजल्ट देता है तो ऑटोमेटिकली बोर्ड उसी को वोट देगा, लेकिन कहीं भी वो पीछे रह गया तो मैं सिर्फ अपने वोट के ऊपर विवेक को लीडर नहीं बना सकता। रितेश ने कहा, बहुत खूब दोस्त, तो ये है तुम्हारी फ्रेंडशिप। मैंने तुम्हारा साथ हर जगह दिया है, वहां भी जहां मेरा भाई एक तरफ था और तुम दूसरी तरफ। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम उस सड़क छाप लड़के की तरह हो। अवनीश अपने आप को डिफेंड करते हुए बोले, मेरे दोस्त, मुझे अच्छे से पता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, एंड आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ दैट, पर हमें प्लान बदलना पड़ेगा। मेरे एक्सपर्ट्स विवेक के साथ लगे रहेंगे और उसके लिए सबसे बेस्ट डील्स को ढूंढ कर लाएंगे। मेरे एक्सपर्ट्स के साथ उसे ज्यादा प्रॉफिट लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो रितेश ने कहा, आई होप कि ऐसा ही हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। मुझे उम्मीद थी कि मुझे पुलकित का सहारा न लेना पड़े, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। अवनीश पुलकित के बारे में सुनते ही हैरान हो गया और उसने कहा, अभी हमें शांति से काम लेना चाहिए रितेश, हमारा एक गलत मूव और पूरा का पूरा प्लान चौपट हो सकता है। अपने बेटे पर विश्वास रखो, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। बाय द वे, तुम्हारा बेटा है कहां? रितेश ने गुस्से में सुमित्रा की तरफ देखा और उसे पूछा, कहां है वो? सुमित्रा हीरा चंदानी के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। रितेश ने अपना फोन उठाया और विवेक को कॉल किया और उससे कहा, विवेक, 20 मिनट के अंदर अगर तुम मेरे सामने नहीं आए तो समझ लेना। रितेश को भड़काने के बाद अवनीश कपूर वहां से चला गया। हीरा चंदानी फैमिली का ड्रामा देखने में उसे बहुत मजा आता था। अवनीश कपूर इस बात को अच्छे से जानता था कि जिस दिन हीरा चंदानी परिवार एक हो गया, उस दिन बोर्ड का कोई मतलब नहीं रहेगा। विवेक हर चीज को इग्नोर कर सकता था, लेकिन अपने पिता के गुस्से को नहीं। उसे समझ में आ गया था कि जरूर कुछ बहुत बड़ी बात होगी जिसकी वजह से उसके पिता उससे इतने नाराज थे। घर की तरफ आते वक्त वो यही सोच रहा था कि अब उसने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उसे घर बुलाया जा रहा था। विवेक जब तक लीडर नहीं बन जाता, तब तक उसे अपने पिता की हर बात को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उनसे होते हुए ही वो लीडर बन सकता था। जब विवेक अपने पिता के सामने आया तो उसके पिता ने गुस्से में एक फ्लावर वास तोड़ दिया। आसपास काम कर रहे सभी सर्वेंट यह देखकर सहम गए। विवेक की मां भी वहां आ गई और उसके पिता को समझाते हुए बोली, रितेश काम डाउन, वो सिर्फ एक सड़क छाप लड़का है, हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रितेश ने विवेक की ओर देखते हुए कहा,
उस सड़क छाप लड़के ने 1500 करोड़ का टारगेट रखा है, क्या तुम इससे ज्यादा रिटर्न दे सकते हो? विवेक अपने पिता की बात सुनकर हंसने लगा। डैड, एक साल में 1500 करोड़, ऐसा कोई नहीं कर सकता। रितेश ने कहा, वेल, मेंबर्स को ऐसा नहीं लगता, उन्होंने ध्रुव का प्लान अप्रूव कर दिया है। मुझे अच्छे से पता है वो एक हफ्ते के अंदर डील फाइनल भी कर लेगा, पर तुम अपने फालतू के दोस्तों के बीच अपना टाइम और पैसे बर्बाद करते रहना। विवेक ये सुनकर शॉक्ड रह गया था कि ऐसे प्लान को कैसे अप्रूवल मिल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेंबर्स ने ध्रुव के जैसे नौसिखिए के प्लान को अप्रूव कैसे कर दिया। विवेक की नजर में ध्रुव अभी एक स्टूडेंट था और उसे इंडस्ट्री के दांव पेच के बारे में नहीं पता था। कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार जरूर सोचती है। एक बड़ी कंपनी हमेशा छोटे बड़े इन्वेस्टर्स से घिरी रहती है, लेकिन समय के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए और किससे चाहिए। विवेक ये सोच रहा था कि ध्रुव के बारे में इंडस्ट्री के ज्यादातर लोग नहीं जानते थे और उन्हें नहीं पता था कि ध्रुव का हीरा चंदानी ग्रुप से क्या नाता है। ऐसे में वो अपने लिए अच्छी डील्स कैसे ढूंढ पाएगा? विवेक के पास अपनी खुद की एक टीम थी जिसमें 30 से ज्यादा लोग दिन रात उसके लिए डील्स को बनाने में लगे रहते थे। साथ ही साथ वो इस बात पर भी ध्यान देते थे कि उनके इन्वेस्टमेंट्स खराब ना चले जाएं। विवेक खुद भी अपनी कंपनी के लिए कई बार काम कर चुका था, इसलिए उसे पता था कि किस सेक्टर में उन्हें फायदा हो सकता है और किस सेक्टर में उन्हें सिर्फ नुकसान होगा। इन्हीं सब बातों को सोचकर विवेक को इस बारे में पूरा यकीन था कि ध्रुव का प्लान अप्रूव हो ही नहीं सकता। विवेक को अच्छे से पता था कि उसे मेंबर्स से अपने प्लान को अप्रूव करवाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। हर किसी ने उससे बहुत से सवाल पूछे थे और जब तक विवेक ने उन सबको सेटिस्फाई नहीं कर दिया था, तब तक उन्होंने विवेक को वहां से जाने नहीं दिया था। अवनीश कपूर ने तो विवेक के लिए सवालों की झड़ी लगा दी थी और ऐसा लग रहा था जैसे अवनीश जानबूझकर ये कर रहे हैं ताकि विवेक की इमेज को दूसरे मेंबर्स के सामने गिरा सके। लेकिन विवेक ने अविनाश के इंटेंशन को समझ लिया था और इसीलिए हर सवाल का उसने बहुत ही स्मार्टली जवाब दिया था। विवेक को इस बारे में पूरा यकीन था कि अवनीश कपूर जैसे एक्सपर्ट के रहते ध्रुव को कभी अप्रूवल नहीं मिल सकता था, लेकिन उसकी हर बात आज उल्टी पड़ गई थी। एक बात तो वो अच्छे से जानता था, वो ये कि उसके डैड कभी उससे झूठ नहीं बोलते थे और ना ही उन्होंने कभी उसके साथ कोई मजाक करने के बारे में सोचा हो। इसलिए इस वक्त विवेक के डैड उससे जो कुछ भी कह रहे थे वो सब सच था। अपने डैड की बात सुनकर विवेक ने कहा, आपको लगता है कि ध्रुव जैसा न्यूकमर इतना बड़ा टारगेट अचीव कर पाएगा? बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन बातों को हकीकत में बदलना सिर्फ प्रोफेशनल्स जानते हैं। ट्रस्ट मी डैड, हमें उस लूजर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है उसने अपनी बातों से सभी मेंबर्स को इंप्रेस कर लिया हो, लेकिन जब असली रिटर्न की बात आएगी तो मैं उससे आगे ही रहूंगा। तो रितेश ने चिल्लाते हुए विवेक से कहा, मुझे तुम्हारी किसी बात पर कोई यकीन नहीं है। मैं रिजल्ट देखता हूं, बाकी की बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है। इस वक्त ध्रुव सभी मेंबर्स की नजरों में छाया हुआ है और तुम एक बिगड़े रईस जादे बनकर अपने पैसे लुटा रहे हो। अब विवेक आगे क्या करेगा? क्या अवनीश कपूर का प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या कभी विवेक और उसके पिता के बीच की दूरियां कम होगी? लीडर बनने के सफर में ध्रुव के सामने अब कौन सी चुनौतियां आएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए। अपने पिता की ये बात सुनकर विवेक ने कहा, नहीं डैडी, मैं तो डील के लिए गया था, मेरे बिजनेस वेंचर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उन्हीं को सॉर्ट आउट करने में लगा हुआ था। रितेश ने कहा, हाँ, तुम्हारा नया बिजनेस वेंचर जो कि एक नाइट क्लब है, तुम्हें शर्म नहीं आती एक अय्याशी के अड्डे को अपना बिजनेस वेंचर कहते हुए? हाँ, कैसा लगेगा हीरा चंदानी ग्रुप का वारिस एक मामूली नाइट क्लब में घूमते हुए? विवेक ने कहा, डैड मुझे पैसे दिए गए थे ताकि मैं इन्वेस्ट कर सकूं, इन्वेस्टमेंट कहां होगी और कैसे होगी इसका डिसीजन मेरा होगा। रितेश ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, अपने भाई पर नजर रखो, मुझे उसके बारे में पल पल की खबर चाहिए और मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब हमें पुलकित की हेल्प भी लेनी होगी। विवेक ने कहा, आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए, पर मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि ध्रुव कभी लीडर नहीं बन सकता, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। इस सब के बीच में सुमित्रा हीरा चंदानी
डरी सहमी सी खड़ी हुई थी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि विवेक और उसके पिता के रिलेशंस ठीक नहीं थे। वो दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, किसी भी बात को लेकर कभी भी उनमें आपस में कोई सुलह नहीं होती थी। बचपन से ही विवेक एक कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में रहा, जिसकी वजह से उसके पर्सनालिटी में बहुत सी चीजें आ गई थी। विवेक की माँ उसे घर से दूर रखने की कोशिश करती थी, क्योंकि घर पर बहुत ही प्रॉब्लम्स होती थी। विवेक वहां से जाने के बाद रितेश हीरा चंदानी ने अपने एक पुराने कॉन्टेक्ट को कॉल किया और कहा, मुझे पुलकित की जरूरत है, उससे कहना कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। यह कहकर उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर सुमित्रा ने रितेश से पूछा, पुलकित को इसमें इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? तुम अच्छे से जानते हो कि वो किस तरह का है। पिछली बार भी उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ था। रितेश ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मैं मजबूर हूं, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किसी भी हाल में विवेक को लीडर बनाने के लिए मुझे पुलकित की हेल्प लेनी ही होगी। इसके बाद सुमित्रा ने रितेश से आगे कुछ भी कहना सही नहीं समझा, क्योंकि वो जानती थी रितेश हीरा चंदानी अपनी मन की ही करता था। बचपन से ही रितेश का स्वभाव ऐसा ही था, जहां एक तरफ रविश हीरा चंदानी सबकी बात सुनते थे, वहीं रितेश उनसे बिल्कुल अलग था। यही वजह थी कि रितेश के होते हुए रविश हीरा चंदानी को लीडर बनाया गया, क्योंकि ये बात सब जानते थे कि रितेश से बेहतर रविश थे। रितेश को यही बात बहुत बुरी लगी थी, लेकिन उस समय रितेश कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि सब कुछ उसके पिता के हिसाब से चल रहा था। आज रितेश की पोजीशन अलग थी और ग्रुप में उन्हें टेम्पररी तौर पर लीडर बनाया गया था। इसी कारण अब वो यही चाहते थे कि विवेक उनकी जगह ले। पुलकित को बुलाना एक मजबूरी थी, लेकिन वो एक बैकअप प्लान था, जिसकी मदद से रितेश पूरे के पूरे डिसीजन को बदल सकता था, और इस वक्त उसे इसी चीज की जरूरत थी। एक और इस फैमिली ड्रामा से दूर ध्रुव और उसकी टीम अपने प्लान के इम्प्लीमेंटेशन में लगी हुई थी। अचानक से ध्रुव की खाली जिंदगी में इतने सारे बदलाव आए थे। कभी कभी उसे लगता था कि वो कोई सपना तो नहीं देख रहा है। पायल और ध्रुव लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करते थे, और जब भी पायल को कोई डाउट होता तो वो ध्रुव को कॉल करके उससे पूछ लिया करती थी। ध्रुव ने पहले की बातों को बिल्कुल भुला दिया था, वो नए सिरे से शुरुआत करना चाहता था। उसके मन में पायल को लेकर कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। इन सब के बीच में नीरज अपने दोस्त को दोबारा पहले जैसी गलती करके देखकर हमेशा गुस्से में ही रहता था। नीरज को लगता था कि ध्रुव गलत रास्ते पर जा रहा है, और उसका सोचना सही भी था, क्योंकि क्लास के बहुत से लोग ध्रुव और पायल के बारे में अफवाहें फैला रहे थे। वो चाहते थे कि ये सभी बातें देव बर्मन के कानों तक पहुंचे और वो गुस्से में आकर ध्रुव के साथ कुछ करे। आफ्टर ऑल बहुत से लड़के पायल के पीछे दीवाने थे और पायल से बात करने के लिए तरसते थे। नीरज को अपने दोस्त की चिंता रहती थी, इसलिए वो हमेशा ध्रुव को सावधान रहने के लिए कहता था, लेकिन वो मन ही मन जानता था कि ध्रुव हमेशा से पायल के करीब आना चाहता था। ऐसे में उसे समझाना काफी मुश्किल था। नीरज फिलहाल के लिए तो बस इंतजार ही कर सकता था, और इस समय वो चुपचाप सिचुएशन को एनालाइज कर रहा था। वहीं पायल देव के बार बार कॉल करने के बावजूद भी उससे बात नहीं करती थी। गुस्से में देव भी उससे दूर रहने लगा था, लेकिन जब उसने पायल और ध्रुव के बारे में सुना तो उसका गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच गया। कॉलेज में वो और उसके कुछ दोस्त साथ में एक खाली क्लास में बैठे हुए थे, और वो सभी पायल को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। शिल्पा इसी मौके की तलाश में थी, इसलिए उसने देव से कहा, देख लिया तुमने देव, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, फिर भी तुम उसे अपने साथ लेकर घूमते रहे। आज वो एक लूजर के साथ घूम रही है और पूरे कॉलेज में तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो रही है। इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, तब भी मैंने तुम्हें यही समझाया था, देव ने अपने दोस्तों से कहा। अब हमें कुछ करना होगा, उस चूहे को बताना होगा कि उसका बिल कहां है। आज ही हम उसकी अक्ल ठिकाने लगाएंगे। एक बार उसकी क्लासेस खत्म हो जाने दो, उसके बाद हम उसे बाहर देख लेंगे। ध्रुव के लिए वो एक नॉर्मल दिन था। रोज की तरह आज भी वो उठा और अपने कॉलेज के लिए तैयार होने लगा। आजकल वो खुश रहता था, क्योंकि उसे पायल को देखने के लिए तरसना नहीं पड़ता था। पायल और उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, और अब जब भी उन दोनों को टाइम मिलता वो लोग लाइब्रेरी में साथ बैठकर पढ़ते थे।
पायल के लिए शायद ये कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन ध्रुव के लिए बहुत बड़ी बात थी। इन 3 सालों में ध्रुव ने पायल को हमेशा अपने से अलग पाया था। पायल के बहुत से दोस्त थे क्योंकि पायल इतनी पॉपुलर थी और हर कोई उसका दोस्त बनना चाहता था। दूसरी तरफ ध्रुव तो पहले भी एक रिजर्व स्टूडेंट था और आज भी शायद ही कॉलेज में कोई ऐसा हो जो उसके बारे में इसके अलावा कुछ जानता हो। जब ध्रुव को पता चला कि पायल देव बर्मन के साथ रिलेशनशिप में है और देव ने सबके सामने पायल को प्रपोज किया था, तो उस दिन ध्रुव बहुत उदास हुआ था। पहली बार उसे ऐसा लगा था जैसे उसके पास कुछ नहीं है। ध्रुव को अपने आप को यह समझाने में बहुत वक्त लग गया कि पायल और उसकी जिंदगी अलग है। ध्रुव उसके बारे में सिर्फ सपने देख सकता है, लेकिन असल जिंदगी में शायद ही वो पायल को कभी अपने साथ देख पाएगा। आज सब कुछ बदल गया था। ध्रुव की जिंदगी में इतने बदलाव आ जाएंगे इसकी उसे उम्मीद ही नहीं थी। कुछ ही दिनों में उसे बहुत सी बातें सीखने को मिली और अपने पिता के बारे में भी पता चला। मन ही मन ध्रुव जानता था कि उसके अंदर का कॉन्फिडेंस उसकी रियल आइडेंटिटी की वजह से था। अगर पायल ध्रुव से पहले दोस्ती करने की कोशिश करती तो शायद ही उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहता, लेकिन आज वो खुद को पायल के इक्वल समझने लगा था। पायल से मिलकर और उससे बातें करने के बाद ध्रुव की सभी टेंशन दूर हो जाती थी और वो एकदम रिलैक्स्ड महसूस करता था। पायल के इस बदले हुए बर्ताव से ध्रुव को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इंतजार कर रहा था। ध्रुव ये देखना चाहता था कि पायल उसके बारे में क्या सोचती है। पायल के मन को जानने के लिए ध्रुव को थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा, इसलिए वो कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा था। नीरज की बातें ध्रुव भले ही इग्नोर कर देता था, लेकिन वो सच थी, इसलिए ध्रुव ने इस बारे में पहले ही सोच लिया था। उधर शिवानी और एस्कॉर्ट टीम के सभी लोग अब पहले से ज्यादा अलर्ट थे। ध्रुव के बिजनेस प्लान को अप्रूवल मिल जाने के बाद अब उनकी जान को और ज्यादा खतरा था। शिवानी के बॉस ने उसे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि ध्रुव और उसकी फैमिली के ऊपर सिक्योरिटी को और टाइट करने की जरूरत थी। ध्रुव कॉलेज में रहता था और एस्कॉर्ट टीम उसके हर मूवमेंट पर नजर रखती थी। ध्रुव के पूरे रूटीन को एस्कॉर्ट टीम ने फॉलो किया था और ध्रुव से मिलने वाले सभी लोगों की एक लिस्ट एस्कॉर्ट टीम के मेंबर्स के पास होती थी। ध्रुव नहीं जानता था, लेकिन शिवानी को ध्रुव के बारे में सब कुछ पता था। शिवानी अच्छे से जानती थी कि पायल ध्रुव के लिए कितना मायने रखती है, इसलिए उनकी टीम अब पायल को भी ऑब्जर्व करती थी। एस्कॉर्ट टीम और उसके ऑपरेशंस के बारे में ध्रुव को ज्यादा जानकारी नहीं दी जाती थी, क्योंकि शिवानी की कंपनी और ध्रुव के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये सभी बातें कॉन्फिडेंशियल थी। ध्रुव इस बात से बिल्कुल अनजान था कि देव बर्मन आज उसके खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है। कॉलेज खत्म होने का टाइम हो गया था। कॉलेज की रोड से थोड़ा दूर देव और उसके दोस्त रास्ते के किनारे अपनी गाड़ियां लगाकर खड़े हुए थे। वो वहां पर ध्रुव का इंतजार कर रहे थे। देव के दोस्तों ने उससे कहा, तो बिल्कुल चिंता मत कर यार, उस चूहे को तो हम आज ऐसा सबक सिखाएंगे कि आज के बाद वो पायल को दीदी कहकर बुलाएगा। देव के दूसरे दोस्त ने दूसरों का साथ देते हुए कहा, हाँ भाई, देव बर्मन की गर्लफ्रेंड के साथ पूरे कॉलेज में खुलेआम घूमना, इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। देव ने अपने दोस्तों को समझाते हुए कहा, हम सब यहां ध्रुव को समझाने आए हैं, मुझे यहां कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। वैसे भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूं तुम सब लोग बस लड़ाई झगड़े के इंतजार में रहते हो। कुछ भी हो जाए, हमें अपनी हद से आगे नहीं जाना है। बस हम उसे डराएंगे ताकि वो पायल से दूर रहे। ध्रुव एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए हमें देखकर वो वैसे ही डर जाएगा। यहां पर अपनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और हां, तुम में से कोई भी ये नहीं बताएगा कि मैं यहां पर था। सब समझ गए ना? देव के एक दोस्त ने कहा, यार तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब हाई सोसाइटी से आते हैं और हमारे कनेक्शंस बड़े बड़े लोगों तक है। हमारे बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा और ना ही किसी की इतनी हिम्मत है कि हमें कुछ करने से रोक सके। उस लड़के ने सभी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है, इसलिए उसे सबक सिखाना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि उसे देखकर बाकी रिजर्व स्टूडेंट्स भी हाई सोसाइटी के स्टूडेंट के साथ दोस्ती करने लगे, कॉलेज का पूरा माहौल खराब हो जाएगा। देव ने कहा, ठीक है, मेरी बात ध्यान में रखना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरे और पायल के बीच और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं। ये मैटर जितना जल्दी क्लोज हो जाए उतना अच्छा है। देव के दोस्तों ने कहा, डोंट वरी, हम सब तेरे साथ है और तू जहां कहेगा
जब कहेगा तेरे साथ खड़े रहेंगे। देव इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके एक दोस्त के पास पिस्टल थी और उसका प्लान ध्रुव को उसे दिखाकर डराने का था। हाई सोसाइटी के लोगों के पास बहुत से हथियार होते थे और उन्हें वैसे भी गन रखने का लाइसेंस बहुत आसानी से मिल जाता था। वहीं दूसरी ओर ध्रुव इन सब बातों से अनजान आज अकेला ही बस स्टॉप की तरफ जा रहा था। उसे एस्कॉर्ट टीम बीच रास्ते में पिक करने वाली थी। ध्रुव थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसे कुछ लोग रोड के साइड में खड़े दिखे। वहां कम से कम 5 से 6 गाड़ियां खड़ी हुई थी और वो सभी महंगी लग्जूरियस एसयूवी थी। उन गाड़ियों को देखकर ध्रुव पहचान गया कि ये गाड़ियां किसकी हो सकती है। ध्रुव बिना डरे आगे बढ़ा लेकिन देव और उसके दोस्त उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए। तो ध्रुव ने कहा, ये सब क्या है, आप लोगों की गाड़ियां खराब हो गई क्या? देव ने कड़क आवाज में कहा, सुना है आजकल तुम बहुत ज्यादा उछल रहे हो, अपनी औकात भूल गए हो क्या? दोबारा याद दिलाए कि तुम कौन हो? ध्रुव ने इनोसेंटली पूछा, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके लिए आपको इतना परेशान होने की जरूरत पड़े। ध्रुव अपने सामने खड़े खतरे से बिल्कुल अनजान था। अब आगे क्या होगा? क्या ध्रुव अपने आप को देव बर्मन नाम के तूफान से बचा पाएगा? क्या एस्कॉर्ट टीम उसकी मदद करेगी? या ध्रुव अपनी पहचान छुपाने के लिए खुद की जिंदगी खतरे में डाल देगा? जानने के लिए सुनते रहिए। देव और उसके दोस्तों ने ध्रुव को कॉलेज के बाहर रोक लिया था ताकि वो उसे पायल से दूर रहने के लिए धमका सके। फिर देव के दोस्त ने ध्रुव की बात सुनकर कहा, लगता है तुम जानते नहीं हो कि हम कौन है। तुम्हारी कॉलोनी मिलकर जितना कमाती है ना, उससे 2 गुना ज्यादा मेरी पॉकेट मनी है। सीधे सीधे देव से माफी मांगो और प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम पायल से मिलने की कोशिश नहीं करोगे। ध्रुव को अब समझ में आ गया था कि ये सब कुछ क्यों हो रहा था, तो उसने हंसते हुए कहा, अच्छा तो ये सब एक इनसिक्योर आशिक के कहने पर हो रहा है। देखो दोस्तों, मैंने पायल को इनवाइट नहीं किया, ना ही मैं उसके पीछे पड़ा था। वो अपनी मर्जी से खुद मेरे पास आई और हम सिर्फ साथ में पढ़ाई करते हैं, इसके अलावा हमारा और कोई काम नहीं है। तो देव ने गुस्से में कहा, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम क्या करते हो और तुम्हारा इंटेंशन क्या है, पर एक बात का ध्यान रखना, वो मेरी है, सिर्फ मेरी। ध्रुव ने आगे बढ़ते हुए देव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ऑनेस्टली तुम मुझसे डर रहे हो? जरा अपने आप को देखो और उसके बाद मुझे देखो और फिर सोचो कि क्या पायल तुम्हें छोड़कर मेरे जैसे लड़के के पास आएगी। अगर इतने इनसिक्योर हो तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, दूसरों को कंट्रोल करना बंद कर दो, ऐसा करके तुम उन्हें खुद से और दूर कर रहे हो। फिर देव के दोस्त ने अपनी पिस्तौल निकाली और ध्रुव के ऊपर तान दी। देव के दोस्त ने कहा, बहुत हो गई बातें, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि हम कौन है। देव अपने दोस्त की यह हरकत देखकर हैरान रह गया और उसने अपने दोस्त को शांत रहने का इशारा किया, लेकिन उसका दोस्त कहां सुनने वाला था। देव के दोस्त ने अपने पिस्तौल का सेफ्टी स्विच ऑफ कर दिया और गन को लोड करते हुए उसे चलाने के लिए तैयार हो गया। अब देव जानता था कि उससे गलती हो चुकी थी। उसे नहीं पता था कि उसका दोस्त अपने साथ पिस्तौल लेकर आ जाएगा। सिचुएशन को संभालने के लिए देव ने अपने दोस्त से कहा, कर नीचे रखो, हम यहां पब्लिक प्लेस पर है, किसी ने अगर हमें देख लिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, चुपचाप गन अंदर रखो, मैं यहां किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं चाहता। तो देव के उस दोस्त ने कहा, नहीं देव, अब बहुत हो गया, मैं इस लड़के की बकवास अब और नहीं सुन सकता। तुम चिंता मत करो, इससे कभी जिंदगी में गोली नहीं खाई होगी, लेकिन आज असली गोली खाकर कैसा लगता है इसका अंदाजा इसे हो जाएगा। ध्रुव अपने सामने गन देखकर थोड़ा घबरा गया था क्योंकि आज से पहले कभी वो ऐसे सिचुएशन में नहीं फंसा था, लेकिन जब से उसने लीडर की पोजीशन के लिए कम्पीट करने के बारे में सोचा था तब से उसने खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था। ध्रुव अच्छे से जानता था कि हीरा चंदानी परिवार जैसी रेप्यूटेड फैमिली कितने ज्यादा खतरों के बीच रहती थी। आए दिन उन्हें जान से मार देने की धमकियां मिलती रहती थी, इसलिए उन सभी लोगों का मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी था। ध्रुव ने उस लड़के की कलाई को ध्यान से देखा और उसने देखा कि उस लड़के ने गन को ठीक तरह से नहीं पकड़ रखा था। एक बंदूक अपने अंदर विस्फोट की मदद से गोली को आगे फेंकती है, इसलिए
उसके अंदर एक रिकॉइल फोर्स क्रिएट होता है। चाहे गन कितनी ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन उसे इस तरह से पकड़ा जाना चाहिए कि रिकॉइल फोर्स की वजह से कोई इंजरी ना हो जाए। जाहिर था कि वहां खड़े सभी लोग इस वक्त एक डेंजरस सिचुएशन में फंसे हुए थे, क्योंकि उस लड़के को गन चलाना नहीं आता था। अगर गलती से उससे गन फायर हो गई तो किसी की भी जान जा सकती थी। ध्रुव एस्कॉर्ट टीम को अलर्ट भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इस वक्त हिल भी नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी ओर देव अपने दोस्त को समझाने में लगा हुआ था। देव की अपनी रेपुटेशन थी और वो नहीं चाहता था कि किसी भी कीमत पर उसकी रेपुटेशन को कोई भी नुकसान पहुंचे। वहीं कंट्रोल रूम में बैठी शिवानी और उसकी पूरी टीम बिल्कुल अलर्ट मोड पर थी। वो पूरी टीम को एक साथ वहां नहीं भेज सकती थी, क्योंकि उन्हें अपने क्लाइंट की आइडेंटिटी को भी छुपाना था। एस्कॉर्ट टीम की फोर्स में 50 गाड़ियां और एक हेलीकॉप्टर भी था, लेकिन इस सब से बाकी के लोग समझ जाएंगे कि ध्रुव कोई साधारण आदमी नहीं है। शिवानी ने पास के पुलिस स्टेशन में कॉन्टेक्ट किया। पास के स्टेशन के CI शिवानी को अच्छे से जानते थे। शिवानी का नंबर अपने फोन की स्क्रीन पर देखकर CI ने अपना काम छोड़कर कॉल को आंसर करते हुए कहा, मैडम बहुत दिनों बाद आपसे बात हुई, बताइए आपने हमें कैसे याद किया? शिवानी ने कहा, सूर्यकांत जी आपके एरिया में ये क्या हो रहा है? कॉलेज के लड़के खतरनाक हथियार लेकर घूम रहे हैं और आप अपने स्टेशन में आराम से बैठे हुए हैं। CI ये बात सुनकर हैरान हो गया और उसने शिवानी से पूछा, मैडम हमें तो ऐसी कोई खबर नहीं आई है, पर मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है। आप बस जगह बताइए, हम अभी अपने काफिले के साथ वहां पहुंचते हैं। शिवानी ने CI को लोकेशन बता दी और उसके बाद पुलिस अपनी गाड़ी में सायरन बजाते हुए उस एरिया की तरफ चल दी। पुलिस स्टेशन वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए पुलिस बिल्कुल सही मौके पर वहां पहुंच गई थी। पुलिस का सायरन सुनकर देव के साथ खड़े कुछ लड़के तो उसी वक्त वहां से भाग गए। ये वो लोग थे जिन्हें अपने परिवार से खास वार्निंग मिली हुई थी कि अगर उन पर कोई पुलिस केस हुआ तो उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी। कुछ लड़के अभी भी वहां खड़े थे। जिस लड़के के हाथ में पिस्तौल थी वो अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला था। CI ने उस लड़के से कहा, हे लड़के, ये बिहार नहीं है कि तुम जब चाहे तब बंदूक की नोक पर कुछ भी कर लो। सीधे सीधे यहां से चले जाओ, वरना हमें तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। उस लड़के ने CI से कहा, तुम मुझे जानते नहीं हो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। अगर अपनी नौकरी प्यारी है तो चुपचाप यहां से चले जाओ, और यहां कोई सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मैं बस इस लड़के को एक गोली मारूंगा और यहां से चला जाऊंगा। जब ये बातें चल रही थी तभी CI ने बड़ी चालाकी से कुछ पुलिस वालों को देव के दोस्त को पीछे से घेरने का इशारा कर दिया और उस लड़के को बातों में और उलझाते हुए CI ने आगे कहा, देखो तुम जो कोई भी हो, लेकिन हम इस तरह से किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दे सकते। अपनी गन अंदर रखो और चुपचाप यहां से चले जाओ, इससे मैं तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की भलाई है। देव ने अपना बचाव करते हुए कहा, मैं यहां पर नहीं था और ना ही मुझे इस गन के बारे में कुछ पता है, इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। देव उस वक्त बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसके पिता को इस सब के बारे में पता चल गया तो उसकी खैर नहीं थी। उसके सारे बैंक अकाउंट सील हो जाएंगे और उसके क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट्स अटक जाएगी। ऊपर से उसे अपने पिता से जो डांट खाने को मिलेगी वो अलग। देव के पिता बहुत स्ट्रिक्ट थे और अपनी इमेज को अच्छा बनाना चाहते थे, क्योंकि उनका इरादा आगामी चुनाव में मेयर पद के लिए खड़े होने का था। देव के पिता ये नहीं चाहते थे कि उनके या उनके परिवार में से किसी के ऊपर भी कोई पुलिस केस या कोई कंप्लेंट दर्ज हो। फिर पुलिस वालों ने उस लड़के को पीछे से पकड़ लिया और उसके हाथ से गन छुड़ा ली। इतने में वहां कॉलेज के VC भी आ गए। तो CI ने VC से कहा, ये सब क्या है VC साहब? आपके कॉलेज का इतना नाम है और यहां कॉलेज के बाहर इस तरह की गुंडागर्दी हो रही है? VC ने कहा, मुझे पता नहीं कि यह सब क्यों हो रहा है और किसने किया है, लेकिन हम इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, अब आप जा सकते हैं। तो CI ने पूछा, और इन लड़कों का क्या करना है? VC ने कहा, इन्हें मैं देख लूंगा, आई प्रॉमिस आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। कॉलेज के बाकी लोग भी वहां आ गए और देखने लगे कि आखिर वहां पुलिस क्यों आई थी। पुलिस के जाने के बाद वहां मौजूद सभी लोग भी अपने अपने रास्ते चल दिए। VC ने ध्रुव से पूछा, क्या तुम ठीक हो और यहां क्या हो रहा था? ध्रुव ने उन्हें पूरी बैकग्राउंड स्टोरी बताई और उसे सुनने के बाद VC का पारा चढ़ गया। वैसे तो कॉलेज का मैनेजमेंट देव और उसके जैसे स्टूडेंट्स का कुछ खास नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन इतनी बड़ी गलती के लिए तो उन्हें पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी। VC ने ध्रुव से कहा, आई एम सॉरी बेटा,
मैं कॉलेज में तुम्हें इक्वालिटी नहीं दिला पाया। तुम और तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स हमेशा डर कर रहते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि देव और उसके दोस्तों को रस्टिकेट कर दिया जाएगा। ध्रुव ने कहा, देव को रस्टिकेट मत कीजिए सर, अगर आपने ये एक्शन लिया तो वो मुझसे और चिढ़ जाएगा। वीसी ने कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम एक नई गाइडलाइन इश्यू करेंगे और सभी स्टूडेंट्स को उसे फॉलो करना होगा। जो भी आज के बाद किसी भी रिजर्व स्टूडेंट को परेशान करते हुए पाया जाएगा, उसके साथ अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वीसी वहां से चले गए और ध्रुव भी अपने पिकअप पॉइंट की तरफ चल दिया। शिवानी के एक्शन से वो सेटिस्फाइड था। शुक्र था कि किसी ने भी एस्कॉर्ट टीम को नहीं देखा, वरना आज तो उसका पूरा खेल चौपट हो जाता। वहीं कॉलेज में उस दिन की पूरी कहानी किसी आग की तरह फैल गई और सभी रिजर्व स्टूडेंट्स के लिए ध्रुव एक इंस्पिरेशन बन गया। जिस तरह से वो अपने सामने गन को देख कर भी नहीं डरा था, ये सुनने के बाद सभी लोग ध्रुव को एक निडर और साहसी आदमी के रूप में जानने लगे। अगले दिन पायल ने उससे सॉरी कहा, क्योंकि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा था। तो ध्रुव ने पायल से कहा, दोस्ती में कोई सॉरी नहीं, मैं बिल्कुल सही सलामत हूं और कल जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। आज कॉलेज में मैनेजमेंट की मीटिंग थी और वो मीटिंग खास देव और उसके दोस्तों के लिए बुलाई गई थी। अभी तक उन लोगों के पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया गया था, बस इसी बात पर डिस्कशन चल रहा था कि आगे क्या करे। कॉलेज के बहुत से स्टूडेंट्स ध्रुव के सपोर्ट में थे और वो चाहते थे कि कॉलेज मैनेजमेंट देव और उसके सभी दोस्तों को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दे। एक प्रोफेसर ने वीसी से कहा, सर, इन सभी बच्चों के पेरेंट्स हमें अच्छा खासा डोनेशन देते हैं, अगर हमने इन स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया तो हमें फंड्स मिलने बंद हो जाएंगे। वहीं एक दूसरे प्रोफेसर ने इससे बिल्कुल अलग राय रखी और कहा, इस बार हम इनकी गलती को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, सभी स्टूडेंट्स की नजर हम पर है, अगर हम डर गए तो फिर हमारे कॉलेज का माहौल कभी सही नहीं हो पाएगा। सभी बातों पर ध्यान से सोचने के बाद वीसी ने फाइनल डिसीजन दिया और कहा, देव और उसके सभी दोस्तों को इमीडिएटली सस्पेंड करो और इन लोगों के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो। जब तक ये लोग मुझे एक अंडरटेकिंग नहीं दे देते, मैं इनके सस्पेंशन को खारिज नहीं करूंगा। कुछ प्रोफेसर्स ने जहां इस डिसीजन का सपोर्ट किया, तो वहीं कुछ प्रोफेसर्स को ये डिसीजन सही नहीं लगा। लेकिन वीसी के सामने कोई कुछ नहीं कह सकता था। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की ओर से देव और उसके सभी दोस्तों को सस्पेंशन लेटर दे दिए गए। देव अपने लेटर को देखकर गुस्से से पागल हो गया था। पायल ने भी उसे फोन करके बहुत कुछ सुनाया था और अब उसे घर पर भी डांट पड़ेगी। देव ने अपने उस दोस्त की तरफ देखा जो उस दिन पिस्तौल लेकर आया हुआ था। अगर उस दिन उसके पास कोई हथियार नहीं होता तो आज उन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। देव ने उस लड़के की कॉलर पकड़ी और गुस्से में कहा, मिल गई तुम्हें शांति, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि अपने गुस्से को काबू में रखो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी, अब अपने घर पर क्या जवाब देंगे? देव के उस दोस्त ने कहा, वो सब तो हम देख लेंगे, लेकिन देव आज तुम्हारी रेपुटेशन को बहुत बड़ी चोट पहुंची है, एक सड़क छाप लड़के की वजह से तुम रस्टिगेट हो गए। देव ने मन ही मन सोचा कि अब वो ध्रुव को नहीं छोड़ेगा, अब उसका सिर्फ एक ही राइवल है और वो है ध्रुव। क्या ध्रुव को ये नई दुश्मनी भारी पड़ेगी? क्या होगी देव की अगली चाल? और इस सब के बीच विवेक क्या बड़ा करने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए। ध्रुव की टीम बिजनेस प्लान पर लगातार काम कर रही थी और उन्होंने दो कंपनीज के साथ सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया था। दोनों कंपनियां डील करने के लिए तैयार थी, बस कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज बची हुई थी, जिसके बाद ध्रुव का प्रोजेक्ट ऑफिशियली अपने ट्रैक पर होगा। ध्रुव ने अपने और अपनी टीम के लिए टारगेट रखा था कि वो इस हफ्ते में दोनों डील साइन कर लेंगे, लेकिन कॉलेज की वजह से उनके प्लान में डिले हो सकता था, इसलिए ध्रुव ने सोचा कि एक हफ्ते में एक ही डील को फाइनलाइज किया जाए। इस तरह से वो ये बात पूरी तरह से कंफर्म कर पाएंगे कि उन्होंने फॉर्मेलिटीज करते वक्त कोई गलती तो नहीं की और उनसे कोई बड़ी इंफॉर्मेशन मिस तो नहीं हुई। ध्रुव की टीम ऑफिशियल पेपर्स तैयार कर रही थी और इसमें लीगल नॉलेज की बहुत जरूरत थी। कॉरपोरेट डील एक एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पर होती है जिसमें बहुत सी शर्तें लिखी हुई होती है। कई तरह के एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और उन सब की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। जितनी बारीकी से कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट किया जाता है उतना ही पार्टी के लिए फायदेमंद होता है। जरूरी यह है
कि फ्यूचर में आने वाली हर सिचुएशन को पहले से एनालाइज करके उन्हें टर्म्स में बदल कर लिखा जाए, ताकि आने वाली प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कॉन्ट्रैक्ट में ही हो। जब जल्दबाजी में कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट किया जाता है तो उसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है, जिसकी वजह से आगे चलकर किसी भी डिस्प्यूट के केस में एग्जीक्यूटर को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ध्रुव नहीं चाहता था कि ड्राफ्टिंग में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए उन्होंने सबसे बेस्ट लोगों से इस काम को करवाने के बारे में सोचा था। ध्रुव की टीम में 2 लीगल एक्सपर्ट थे और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, इसलिए उन लोगों के लिए यह काम कोई बड़ी बात नहीं थी। ध्रुव को अपनी टीम पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने ड्राफ्टिंग की पूरी जिम्मेदारी दोनों लीगल एक्सपर्ट के भरोसे छोड़ दी थी। जब ड्राफ्टिंग पूरी हो जाएगी तब ध्रुव के टीम के 2 रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के पास जाएंगे और ऑफिशियली डील साइन करेंगे। ध्रुव चाहता तो खुद पर्सनली भी जा सकता था, लेकिन शिवानी ने उसे एडवाइस किया था कि इस समय वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजे, क्योंकि अगर वो खुद जाएगा तो कंपनी के ऊपर इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता था। ध्रुव इस वक्त उन सभी का लीडर था, इसलिए छोटे कामों के लिए लीडर खुद जाता ये सही नहीं था। ध्रुव ने डिसाइड किया कि थोड़ी प्रोग्रेस होने के बाद वो खुद कंपनियों को विजिट करेगा और उनके ओनर से मिलेगा। ध्रुव की टीम अच्छा प्रोग्रेस कर रही थी, लेकिन विवेक इससे 2 कदम आगे चल रहा था। अपने पिता से डांट खाने के बाद उसने पूरी जी जान लगा दी और अपनी टीम को और एक्सपेंड किया। विवेक ने अपनी टीम के मेंबर्स से कहा कि वो उसके लिए बेस्ट डील्स ढूंढ कर लाए और जिसकी भी डील उसे पसंद आएगी टीम उस पर काम करना शुरू कर सकती है। विवेक मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना चाहता था, ताकि ध्रुव को अपनी काबिलियत दिखाने का कोई मौका ही ना मिले। विवेक का रिटर्न 250 करोड़ तक पहुंच गया था और फिगर्स के मामले में विवेक इस वक्त ध्रुव से बहुत आगे था, लेकिन विवेक की टीम में उतना कोऑर्डिनेशन नहीं था। सभी मेंबर्स के बीच में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी और इस वजह से उनके बहुत से काम डिले हो रहे थे। विवेक को माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ रहा था और इस बात का ध्यान रखना पड़ रहा था कि उसकी टीम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। सीधी बात है, अगर आपकी टीम में ज्यादा लोग होंगे और वो सब एक ही एक्सपीरियंस के होंगे तो उन्हें मैनेज करने में भी प्रॉब्लम होगी और उनमें कोऑर्डिनेशन ला पाना भी मुश्किल होगा। वहीं एक छोटी टीम में अलग अलग एक्सपर्टीज के लोग ज्यादा कोऑर्डिनेशन में रहते हैं और उन्हें मैनेज कर पाना भी आसान होता है। इस सिंपल सी बात को ध्रुव ने फॉलो किया और एक छोटी टीम बनाई जिसमें सिर्फ अलग अलग तरह के एक्सपर्ट थे। ध्रुव को ऐसे लोग चाहिए थे जो ना सिर्फ अपने काम को जानते हो बल्कि उनके विजन को भी समझ सके, और उनकी टीम के लोग जानते थे कि ध्रुव की डील सिर्फ प्रॉफिट को देखकर नहीं बनाई गई है बल्कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और बहुत से लोगों को फायदा भी होगा। वहीं विवेक का पूरा फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर था और जब उसके पास खुद का कोई आइडिया नहीं बचा तो उसने अपनी टीम को आइडियाज तलाशने के लिए लगा दिया। जब तक वो उन वेंचर्स को अप्रूव करेगा तब तक ध्रुव दूसरी डील्स कर चुका होगा और इस तरह ध्रुव अपने आप ही आगे हो जाएगा। इस वक्त ध्रुव बहुत सी चीजें एक साथ हैंडल कर रहा था। एक और उसकी कॉलेज लाइफ थी जहां पर एक नए मेंबर ने एंट्री ली थी और दूसरी ओर उसके दूसरे काम चल रहे थे। वो कॉलेज में दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता पा रहा था और यही बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। दूसरी तरफ ध्रुव की वजह से देव को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। कुछ दिन पहले उसे उम्मीद थी कि उसके और पायल के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो गई है, लेकिन अब उसके इस नए केस ने पायल को और गुस्सा दिला दिया था। देव अब कोई नया तरीका ढूंढ रहा था जिससे वो ध्रुव से बदला ले सके। देव और उसके सभी दोस्त कॉलेज नहीं जा पा रहे थे, इसलिए वो लोग एक क्लब में इकट्ठा हुए थे। देव का वो दोस्त जो अपने साथ पिस्तौल लेकर आया था वो भी वहां पर था और सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन उसी पर लिया गया था। देव के उस दोस्त ने कहा, देव मैं बहुत से गुंडों को जानता हूं, ये लोग अपने काम में बहुत माहिर है, अगर हम उन्हें अच्छे पैसे दे तो वो ध्रुव को इतनी चोट पहुंचाएंगे कि वो हमारे सामने खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं कर पाएगा। देव की बेस्टी शिल्पा भी वहां थी तो उसने देव से कहा, ये टाइम डायरेक्ट अटैक का नहीं है, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उनका ग्रुप अपने आप ही टूट जाए। तो देव ने पूछा, और ऐसा हम कैसे करेंगे? फिर शिल्पा हंसते हुए बोली, देव और पायल के बीच जो कुछ भी है उसको लेकर अफवाहें फैला दो, देव के दोस्त नीरज को भड़काओ और दूसरे रिजर्व स्टूडेंट्स को भी भड़काओ, ग्रुप अपने आप टूट जाएगा। शिल्पा की बात में दम था क्योंकि इस वक्त पूरे कॉलेज में हाई सोसाइटी के स्टूडेंट के खिलाफ एक माहौल बन चुका था।
कुछ रिजर्व स्टूडेंट्स ने ध्रुव के साथ हुए इस इंसिडेंट के बाद एक मूवमेंट की शुरुआत कर दी थी और वो सभी दूसरे रिजर्व स्टूडेंट से ये अपील कर रहे थे कि वह किसी भी हाई सोसाइटी स्टूडेंट के साथ दोस्ती ना करे। ध्रुव और पायल उसके बाद भी दोस्त बने हुए थे और ये बात कुछ रिजर्व स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आ रही थी। शिल्पा की बात सुनकर देव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग में इतने ब्रिलियंट आइडियाज कहां से आते हैं? हम ऐसा ही करेंगे और ऐसा करने से पायल अपने आप मेरे पास आ जाएगी। फिर शिल्पा और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर ध्रुव और पायल की दोस्ती के बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया और उसके रिएक्शन में नीरज को रिजर्व स्टूडेंट्स प्रेशराइज करने लगे कि वो अपने दोस्त को समझाए। नीरज ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो इस बात को इग्नोर करे, लेकिन बार बार दूसरे स्टूडेंट उसे यही बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं पायल ध्रुव का फायदा भी उठा रही थी। ओपनली पायल ने कभी इस बात को कन्फर्म नहीं किया कि वो और देव अब एक साथ नहीं है, ना ही उसने अपने दूसरे दोस्तों के साथ अपनी दोस्ती को तोड़ा। पायल आज भी अपने हाई सोसाइटी के फ्रेंड्स के साथ घूमती फिरती थी और उनसे बातें करती थी, इसलिए नीरज को भी इस बात पर यकीन हो गया था कि हो ना हो पायल ध्रुव को और नीरज को बेवकूफ बना रही है। ध्रुव के फंडामेंटल्स बहुत क्लियर थे और उसकी नोट्स बनाने की आदत उसे कंसेप्ट क्लियर करने में मदद करती थी। पायल कई बार ध्रुव से उसके नोट्स ले चुकी थी और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर नीरज ने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्त को समझाएगा। एक दिन नीरज ने ध्रुव को शाम के वक्त फोन किया। उस वक्त ध्रुव अपने ऑफिस में था और कुछ फाइल्स को देख रहा था। नीरज का कॉल देखते ही ध्रुव ने तुरंत उसका फोन उठा लिया और उससे पूछा, हाँ भाई क्या बात है, आज इतनी लेट फोन किया? तो नीरज ने ध्रुव से कहा, यार तुझे एक बात बतानी है, कॉलेज में बता नहीं पाया इसलिए तुझे फोन किया। ध्रुव ने कहा, अच्छा क्या बात है? नीरज ने कहा, देखो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं तुझे आगे जो भी कहूंगा हो सकता है कि तुझे इस बात का बुरा लगे, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से जरूर सोचना कि मैं क्या कह रहा हूं। ध्रुव अब कंफ्यूज हो रहा था तो उसने नीरज से पूछा, खुलकर बात बता कि तू क्या कहना चाह रहा है? नीरज ने कहा, मैं पायल के बारे में बात कर रहा हूं, मुझे पता है कि तू मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन एक बार सोच कर देख, हम लोग रिजर्व स्टूडेंट्स हैं और वहीं पायल वो हाई सोसाइटी से आती है। पहले भी तूने ऐसी गलती की थी जिसका तुझे हर्जाना भुगतना पड़ा था। देव एक डेंजरस आदमी है, उससे इस तरह से लड़ने से तुझे ही नुकसान होगा। पायल तुझे यूज कर रही है ध्रुव, उसकी बात आज भी देव से होती है और वो उसके बाकी दोस्तों से भी कॉन्टेक्ट में है। ध्रुव ने कहा, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें पायल की क्या गलती थी? वो सब देव ने किया था, पायल ने उसे ये सब करने के लिए नहीं कहा। तू ज्यादा सोच रहा है, पायल किसकी दोस्त है और किसकी नहीं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जैसे वो दूसरों की दोस्त है वैसे ही वो मेरी दोस्त है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नीरज ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, समझने की कोशिश कर ध्रुव, अगर तुम दोनों इस तरह से दोस्त बने रहे तो तुम दोनों को ही प्रॉब्लम होगी। कॉलेज में एक नया मूवमेंट शुरू हुआ है, सभी रिजर्व स्टूडेंट्स ने दूसरे या हाई सोसाइटी के स्टूडेंट से दोस्ती ना करने का डिसीजन लिया है। अगर तू इसके बावजूद भी पायल का दोस्त बना रहा तो दूसरे रिजर्व स्टूडेंट्स तुझे अकेला छोड़ देंगे, हम दोनों अकेले हो जाएंगे और जरूरत पड़ने पर हमारी कोई मदद नहीं करेगा। ध्रुव को अब नीरज की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने नीरज से कहा, देख यार तू मेरा अच्छा दोस्त है लेकिन पायल भी मेरी उतनी ही अच्छी दोस्त है, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता और मुझे ये सब बातें बेतुकी लग रही है। हम सब एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं तो फिर ये बंटवारा कैसा? नीरज ने कहा, अब तुझे अच्छा लगे या ना लगे लेकिन तुझे आज डिसाइड करना पड़ेगा कि तुझे मुझसे दोस्ती रखनी है या पायल से, क्योंकि अगर तू पायल के साथ रहेगा तो मैं इसमें तेरा साथ नहीं दे सकता। ध्रुव नीरज की बात सुनकर दंग रह गया। कोई उससे ये बात कहता तो शायद उसे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन नीरज ने उसे ये बात कही थी, इस बात पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। ध्रुव ने नीरज से पूछा, ये तू कह रहा है? तूने पायल से बात की है फिर भी तुझे लगता है कि पायल मेरा इस्तेमाल कर रही है? तो नीरज ने जवाब देते हुए कहा, तू समझ नहीं रहा है ध्रुव, हमारी प्रायोरिटीज कुछ और है और उसकी कुछ और। हम सोसाइटी के जिस ग्रुप से आते हैं वो उनके ग्रुप से बिल्कुल अलग है, तुम्हारी आदतें तुम्हारे ख्याल एक दूसरे से नहीं मिलते, ऐसे में तेरी और उसकी दोस्ती कैसे हो सकती है? ध्रुव ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, दोस्ती ना तो धर्म देखती है
न जात-पात और ना ही हैसियत। मैं और तू दोस्त इसलिए नहीं है कि हम दोनों एक ही सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। हम दोनों दोस्त हैं क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अगर तू हाई सोसाइटी से बिलोंग करता तो भी मैं तुझसे दोस्ती करता। हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं रहता। और ठीक उसी तरह मेरी और पायल की दोस्ती भी वैसी ही है। नीरज ने कहा, तू अपने आप से झूठ बोल रहा है। ये दोस्ती तूने इसलिए की ताकि तू पायल के करीब आ सके, उसके बारे में जान सके। तूने पहले भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी और आज भी तू पायल को भुला नहीं पाया है और इसलिए तू ये सब कह रहा है। इसके अलावा तेरा और कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या होगा अल्टीमेटम के बाद ध्रुव का डिसीजन? क्या देव का प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या ध्रुव देव की चाल को समझकर अपनी दोस्ती को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। नीरज की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, जब तू इतना सब जानता है तो फिर क्यों मुझे उससे दूर रहने के लिए कह रहा है? तो नीरज ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं जब तू सच्चाई के बारे में जान जाएगा तो तुझे कितनी चोट पहुंचेगी। मैं नहीं चाहता कि तू उस दर्द से दोबारा गुजरे, इसलिए तुझे पायल से दूर रहने के लिए कह रहा हूं। पायल देव बर्मन की गर्लफ्रेंड है और देव कुछ भी कर सकता है, इसलिए तुझे उससे दूर रहना चाहिए। ध्रुव का गुस्सा अब और बढ़ चुका था तो उसने नीरज से कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू मुझे छोड़ देगा, लेकिन जब तूने फैसला ले ही लिया है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। आज से मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा। अब तू अपने रास्ते और मैं अपने। इसके बाद ध्रुव ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया क्योंकि वो नीरज की बातों को और नहीं सुन सकता था। ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि नीरज बाकी स्टूडेंट की बातों में आ जाएगा और उससे यह सब बातें कहेगा, लेकिन वो इस बात को अच्छे से जानता था कि नीरज उसकी भलाई के लिए ये सब कह रहा था। शायद कुछ दिनों में नीरज को अपनी गलती का एहसास हो जाए, लेकिन तब तक ध्रुव ने सोच लिया था कि वो नीरज से दूर रहेगा। थोड़ी देर बाद कैबिन में शिवानी आई तो ध्रुव को परेशान देखकर उसने ध्रुव से पूछा, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो ध्रुव अपने चेहरे की परेशानी को छुपाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। शिवानी जानती थी कि जरूर कुछ ऐसा है जिससे ध्रुव को बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन उसने ध्रुव का जवाब सुनकर कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने ध्रुव को परेशान करना सही नहीं समझा। आखिरकार वो दोनों प्रोफेशनल रिलेशनशिप में थे, इसलिए उन्हें कुछ लिमिट्स तो रखनी ही थी। ध्रुव जितना नीरज की कही बातों के बारे में सोच रहा था, उसे नीरज पर उतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने फैसला कर लिया था कि अगर नीरज उससे दूर जाना चाहता है तो यही सही। अगले दिन कॉलेज में नीरज ने अपनी सीट बदल ली और दूसरे लोगों के साथ बैठने लगा। पूरी क्लास को यह बात बिल्कुल अजीब लगी क्योंकि नीरज और ध्रुव फर्स्ट ईयर से अच्छे दोस्त थे। पायल इस बात से परेशान हो गई कि कहीं उसकी वजह से उन दोनों की दोस्ती तो नहीं टूट गई। ध्रुव और नीरज की दोस्ती की बात शिल्पा और उसके दोस्तों तक पहुंच गई तो वो सभी ये जानकर खुश हुए कि उनका प्लान सक्सेसफुल रहा। फिर शिल्पा के दोस्तों ने उससे पूछा, अब आगे क्या करना है? ध्रुव ने तो पायल का साथ अभी तक नहीं छोड़ा। शिल्पा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे प्लान के सेकंड पार्ट से वो भी हो जाएगा। शिल्पा ने सोच लिया था कि इस बार वो कोई मौका नहीं छोड़ेगी। उसका इरादा पायल को कॉलेज में बदनाम करने का था। शिल्पा के दोस्तों ने डिसाइड किया कि अब वो ध्रुव और पायल के रिलेशनशिप में होने वाली अफवाह फैला देंगे। उनकी इस अफवाह को सच साबित करने के लिए सबसे बड़ा सबूत यही था कि ध्रुव ने पायल के लिए अपने जिगरी दोस्त को भी छोड़ दिया था। कॉलेज में बहुत से लोग ऐसी बातों पर बहुत ध्यान देते थे और इस बार तो पायल के बारे में अफवाह थी, तो इसलिए स्टूडेंट्स का ध्यान इस बात की तरफ ऑटोमेटिकली चला गया। ध्रुव और पायल के बारे में झूठी खबरें कॉलेज में आग की तरह फैल गई और कई लोगों से होते हुए पायल को भी इस बारे में पता चल गया। पायल को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन स्टूडेंट के बार बार इस तरह की बातें करने की वजह से वो इरिटेट हो गई थी। पायल अच्छे से जानती थी कि कॉलेज में सभी बकवास बातें और गॉसिप कहां से शुरू होती है, इसलिए वो सीधा शिल्पा के पास पहुंची। पायल ने शिल्पा से गुस्से में पूछा, तुम मुझसे चाहती क्या हो? क्यों मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही हो? शिल्पा ने हंसते हुए कहा, पायल मैं तुम्हारे बारे में ये सब नहीं कह रही, ये तो इन लोगों को ही तुम्हारे और ध्रुव के बीच में कुछ होते हुए दिख रहा है। एक सीक्रेट बताऊं, ध्रुव तुम्हें कॉलेज के फर्स्ट ईयर से पसंद करता था। आज जब तुम उसके साथ में रहती हो तो वो इस बारे में अपने दूसरे दोस्तों के सामने शो ऑफ तो करेगा ही ना? पायल ने कहा,
ध्रुव के पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और यह बात हम दोनों अच्छे से जानते हैं। अच्छा ये रहेगा कि तुम जो कुछ भी कर रही हो उसे तुरंत बंद कर दो। फिर शिल्पा हंसते हुए बोली, ठीक है मैं तो चुप हो जाऊंगी, लेकिन दूसरे लोगों का क्या करोगी? पायल शिल्पा की बातों को सीरियसली नहीं लेती थी, लेकिन शिल्पा की बात आज सही थी। लोग कही सुनी बातों पर यकीन कर लेते हैं और दूसरों के बारे में अजम्पशन बना लेते हैं। वहीं ध्रुव बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। कॉलेज में उसके बारे में चल रही झूठी अफवाहों की वजह से उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। वो कभी नहीं चाहता था कि उसे लोग नोटिस करें, लेकिन अब ना चाहकर भी वो पूरे कॉलेज में फेमस हो गया था। इसी वजह से वो काम पर भी खास कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। नीरज की कही बातें उसे दूसरे लोगों से सुनने को मिल रही थी और इसीलिए उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। एक बार को उसके मन में यह भी आया कि कहीं नीरज तो ये सब नहीं कर रहा, लेकिन फिर उसने सोचा कि नीरज कभी ऐसी गलती नहीं कर सकता। हाँ इस वक्त नीरज भी ध्रुव से बहुत नाराज था, लेकिन वो उससे बदला लेगा ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ध्रुव ने डिसाइड किया कि उसे पायल से इस बारे में बात करनी चाहिए। इससे पहले कि ध्रुव पायल को कॉल करता, पायल ही उसके सामने आ गई। ध्रुव ने कहा, आई एम सॉरी, ये सब नहीं होना चाहिए था, बट तुम चिंता मत करो, कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पायल ने कहा, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए कि मेरी वजह से तुम्हारी और नीरज की लड़ाई हो गई। मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम दोनों की दोस्ती टूटे। ध्रुव ने कहा, इट्स ओके, नीरज भी लोगों की बातों में आ गया है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि यह सब कुछ झूठ है तो वो खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगा। हमारे बीच कई बार लड़ाई हो चुकी है। फिर पायल ने ध्रुव से पूछा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा यूज कर रही हूं? अगर ऐसा है तो हम दोनों लाइब्रेरी में एक साथ बैठना बंद कर देंगे, इससे लोगों की बातें अपने आप बंद हो जाएगी। ध्रुव ने कहा, ऐसा मत सोचो, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, आखिर कब तक हम उनके हिसाब से चलते रहेंगे? कभी ना कभी तो हमें खुद के बारे में सोचना होगा। जरूरी यह है कि हमें क्या लगता है, क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है। खुद से पूछने पर ही हमें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। पायल ने हंसते हुए कहा, तुम्हें ये सब बातें कौन बताता है? ध्रुव ने कहा, मेरी मां, ये सब मैंने उन्हीं से सीखा है। पायल ने कहा, बिल्कुल सच कहा तुम्हारी मां ने, हम दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं और खुद को भूल जाते हैं। डोंट वरी, मैं नीरज को समझा लूंगी और वो मान भी जाएगा। कुछ देर और बात करने के बाद पायल वहां से चली गई। ध्रुव भी अपनी क्लास की तरफ चला गया। उसे खुशी थी कि फाइनली अब सब कुछ ठीक हो गया है। पायल कॉलेज से घर आई तो उसने अपनी माँ को आवाज दी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। पायल ने अपनी माँ को कॉल किया तो उसकी माँ ने फोन उठाते हुए कहा, बेटा तुम कहाँ हो, क्या तुम सिटी हॉस्पिटल आ सकती हो? पायल हॉस्पिटल का नाम सुनकर डर गई और उसने माँ से पूछा, हॉस्पिटल? माँ सब कुछ ठीक है ना, क्या हुआ है? पायल की माँ ने कहा, बेटा देव का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे मिसेस बर्मन ने बुलाया है और डैड भी मेरे साथ ही है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, हो सकता है तुम्हारी जरूरत पड़े। एक्सीडेंट की बात सुनकर पायल डर गई और सब कुछ भुलाकर हॉस्पिटल आ गई। पायल को देखकर देव की माँ ने उसे गले लगा लिया और रोते हुए बताया कि कॉलेज से आने के बाद देव गुस्से में घर से बाहर चला गया था और रैश ड्राइविंग की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके हाथ में फ्रैक्चर आया था, लेकिन इसके अलावा सब कुछ ठीक है। देव की माँ ने पायल से कहा, मुझे लगता था कि तुम नहीं आओगी, लेकिन अच्छा है कि तुम यहां हो, बेहोशी में देव तुम्हारा ही नाम ले रहा था। कुछ देर के बाद डॉक्टरों ने उन सभी लोगों को देव से मिलने की परमिशन दे दी। सबसे मिलने के बाद पायल भी वहां आई और उसने देव से कहा, तुम कभी नहीं मानोगे ना, हमेशा दूसरों को परेशान करते रहते हो। देव ने पायल की बात को बीच में काटते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे उस दिन तुम पर इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए था, मैं क्लब से बाहर निकाले जाने के लिए गुस्सा था और मैंने उसके लिए तुम्हें ब्लेम किया। आई प्रॉमिस आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। पायल सोचने लगी कि अगर उसने यहां मना कर दिया तो हो सकता है देव आगे भी कोई बेवकूफी करे, इसलिए उसने डिसाइड किया कि अभी के लिए और कहीं ना कहीं ध्रुव के लिए भी उसे देव के साथ रहना होगा। पायल ने कहा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन एक शर्त है,
मैं और ध्रुव अब अच्छे दोस्त हैं, तो तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ध्रुव का नाम सुनते ही देव का खून खौल उठा, लेकिन फिर उसे पता था कि उसे हां कहना ही होगा। देव ने हां कह दिया और मन ही मन सोचने लगा कि ध्रुव को तो वो इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। देव का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, इसलिए डॉक्टर ने अगले ही दिन उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। उसे अपने हाथ पर 15 दिन के लिए प्लास्टर बांधना था, जिसके बाद उसका हाथ पहले जैसा हो जाएगा। देव और उसके पेरेंट्स के लिए यही अच्छी खबर थी। अगले दिन कॉलेज में एक नई खबर फैल गई कि ध्रुव और पायल के बीच चल रही सभी बातें खत्म हो गई थी। उस दिन पायल देव के साथ कॉलेज आई थी और उसका देव के साथ कॉलेज आना इस बात का सबूत था कि अब उनके बीच में सब कुछ पहले जैसा हो गया था। देव एक नई एनर्जी में था, क्योंकि अब उसके साथ पायल थी और वो अच्छे से जानता था कि ये बात ध्रुव को पसंद नहीं आएगी। देव ने पक्का इरादा कर लिया था कि अब वो ध्रुव से बदला लेकर रहेगा। पायल की शर्त मानने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि देव ध्रुव पर नजर रख सके और कुछ भी ऐसा पता कर सके जिसे वो उसके खिलाफ इस्तेमाल कर पाए। पायल के थ्रू उसे बहुत सी बातें पता चलती रहेगी और वो खुद भी बीच बीच में ध्रुव को परेशान करता रहेगा। देव का प्लान ध्रुव को नीचा दिखाने का था और उसे ये बताने का था कि उसकी हैसियत क्या है। साथ ही साथ में वो उसे पायल की नजर में इतना नीचे गिरा देना चाहता था कि पायल खुद उससे दूर हो जाए। देव के इस प्लान में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन अगर वो पेशेंस से काम ले तो उसका काम बहुत सही हो जाएगा और फिर इसके बाद देव को ध्रुव के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब पायल के बारे में नीरज को पता चला तो वो सीधा अपने दोस्त के पास गया, जो हमेशा की तरह आज भी लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और किताबों में खोया हुआ था। नीरज ने कहा, आई एम सॉरी यार, मैं तुझ पर बिन बात के ही नाराज हो गया था। ध्रुव ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं तूने ये सब मेरे लिए किया था। नीरज ने उससे पूछा, अब क्या करेगा? ध्रुव ने कहा, मेरे दोस्त, प्यार एक सेकंड में ही नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो चीज बिना मेहनत के मिल जाए उसमें मजा क्या? और वैसे भी तू ठीक कहता है, हम दोनों बहुत अलग है। तो नीरज ने कहा, तो तू हार मान रहा है? ध्रुव ने हंसते हुए कहा, मैं इंतजार कर रहा हूं। सच कहें तो ध्रुव को इस बात से बहुत तकलीफ हुई थी और अंदर ही अंदर एक बार फिर उसका दिल टूट गया था, लेकिन वो चाहकर भी अपने इस दर्द को खुद पर हावी नहीं होने दे सकता था। उसकी लाइफ में इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स थी और इसलिए उसने डिसाइड कर लिया था कि अपने गोल से वो किसी भी कीमत पर नहीं भटकने वाला था। अभी उसके सामने सबसे बड़ी प्रायोरिटी उसकी डील्स को कंप्लीट करने की थी और ये कोई छोटा मोटा टास्क नहीं था, इसमें बहुत सी मेहनत लगने वाली थी। आखिर देव आगे कौन सी चाल चलने वाला है और सबसे बड़ा सवाल, क्या ध्रुव डील साइन करने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। पिछले 5 दिनों से ध्रुव और उसकी टीम लगातार डील्स को फाइनलाइज करने में लगी हुई थी। इस वीकेंड उनकी टीम के 2 रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के साथ डील साइन करने वाले थे। इससे पहले कि बोर्ड डील साइन करे, उन्हें खुद अपने रिसोर्सेस लगाकर इस बारे में पूरी तरह कंफर्म करना होगा कि उनका दांव खाली न जाए। अगर डील होने के बाद रिटर्न्स नहीं मिले तो ध्रुव लीडर की रेस से बाहर हो जाएगा। उसके सभी कमिटमेंट्स और मेंबर्स के सामने हुई बातें किसी मतलब की नहीं रहेगी। वो लोग जो पहले डील साइन करने वाले थे, वो मध्य प्रदेश में स्थित एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी से थी, जिसने अपना प्लांट इंदौर के पास में एस्टैब्लिश किया हुआ था। फंडिंग कम होने की वजह से उसका प्लांट पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। दरअसल इस कंपनी ने सरकार के साथ में कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, जिसके हिसाब से उन्हें सब्सिडी मिलनी चाहिए थी, लेकिन कुछ सालों बाद अचानक सरकार ने सब्सिडी देने से मना कर दिया तो उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। कंपनी के दूसरे इन्वेस्टर्स रिटर्न के लिए अब कोर्ट में जाने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उन्हें उनका पैसा डूबता हुआ दिख रहा था। ऐसी सिचुएशन में ध्रुव और उनकी टीम उनके लिए संजीवनी बूटी का काम करने वाले थे, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ उन्हें फंड्स देने की बात की थी, बल्कि उन्हें जो भी गाइडेंस चाहिए होगी उसके लिए भी ध्रुव उनकी मदद करने वाला था। उस कंपनी की डिमांड सिर्फ 10 करोड़ थी और ध्रुव का प्लान आगे चलकर इस कंपनी में 50% ओनरशिप लेने का था। उसने सोचा था कि अगर उसे कंपनी से अच्छा रिटर्न मिला तो आगे चलकर वो कंपनी को टेक ओवर कर लेगा
और फिर पूरे प्लांट को सरकार को बेच देगा, जिससे उसे अच्छा खासा मुनाफा होगा। थ्योरी में तो ये प्लान सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी वो ये वेरीफाई कर रहे थे कि कंपनी सही हालत में है या नहीं और उसके ओनर्स कैसे हैं। क्या उनकी बात पर भरोसा किया जा सकता है? कहीं ये कंपनी कोई फ्रॉड तो नहीं? भारत में ऐसी कई कंपनियां थी जो रूल्स को फॉलो नहीं कर सकती थी, इसलिए कुछ समय बाद सरकार उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेती थी। ऐसे में इन्वेस्टर्स को बहुत सी लीगल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था और साथ ही साथ उनका पैसा भी डूब जाता था। ध्रुव नहीं चाहता था कि इस पहली डील में उनसे कोई भी बड़ी गलती हो। ध्रुव के लिए 10 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम थी, इसलिए वो सभी 100% श्योर होने के बाद ही डील को साइन करने वाले थे। कंपनी और ध्रुव की टीम के बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन होने वाला था और उसके सभी टर्म्स एंड कंडीशंस ध्रुव की टीम के लीगल एक्सपर्ट हैंडल कर रहे थे। ध्रुव की टीम ने भी फिलहाल के लिए खुद को एक फर्म के रूप में रजिस्टर कर लिया था। सरकार ने कंपनी के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज को बढ़ा दिया था, इसलिए कंपनी को रजिस्टर करने में पैसे ज्यादा लगते थे और साथ ही साथ में समय भी बहुत लगता था। ध्रुव की फर्म का नाम था एम एसोसिएटेड कंपनी। इस नाम की अवेबिलिटी अच्छी थी, इसलिए उन्होंने नाम को लेकर ज्यादा डिस्कशन नहीं किया। वैसे भी आगे चलकर फर्म को खत्म करना था। कॉलेज के बाद उसने डिसाइड किया था कि वो सीधा अपने ऑफिस जाएगा और अपनी टीम के साथ फाइनल डिस्कशन करेगा। ध्रुव लाइब्रेरी में पायल का इंतजार कर रहा था, लेकिन पायल नहीं आई। ध्रुव को इस बात का बुरा लगा था, लेकिन फिर वो इसके लिए पायल को ब्लेम नहीं कर सकता था। पायल की अपनी लाइफ थी और उसके अपने दोस्त थे। वो किससे दोस्ती करती है और किससे नहीं, यह डिसीजन पायल का था, इसलिए ध्रुव इस बारे में किसी तरह का ओपिनियन नहीं रख सकता था। मन ही मन उसने सोचा कि उसे पायल के साथ जितने भी दिन मिले उतना ही बहुत था, क्योंकि पायल उसके साथ लाइब्रेरी में बैठेगी, इस बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था। पूरे दिन की क्लासेस खत्म होने के बाद ध्रुव अपने ऑफिस चला गया। टीम ने पूरे दिन में सभी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लिया था और फाइनल एग्रीमेंट तैयार हो चुका था। ध्रुव एग्रीमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ रहा था और एक पॉइंट पर अपनी लीगल टीम से उसके बारे में पूछ रहा था। एग्रीमेंट में हर चीज बारीकी से लिखी गई थी। उन्होंने परफेक्शन के साथ काम किया था और इस बारे में ध्रुव को कोई डाउट नहीं था। ध्रुव ने अपनी टीम से कहा, एक्सलेंट दोस्तों, अब हम कल इस डील को फाइनल कर लेंगे। यहां से हमारा सफर शुरू होता है। हमारे वेंचर्स पर हमें 24 घंटे नजर रखनी होगी। कंपनी के अंदर और बाहर क्या चल रहा है, इसके बारे में हमें हर चीज पता होनी चाहिए। डील फाइनलाइज कर लेना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि टारगेट कंपनी के बारे में हर छोटी बड़ी चीज जानना भी जरूरी है। आज से 15 दिन बाद प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा और तब हम इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे। मैंने सोचा है कि मैं खुद वहां जाकर प्लांट को देखूंगा। कंपनी के ओनर से भी बात हो जाएगी और इसी के साथ हम सरकार से ये भी बात कर लेंगे कि प्लांट को बेचने के लिए उनकी क्या डिमांड्स है। कल 2 मेंबर्स जा रहे हैं इसके लिए, बाकी हम सभी को अब अपनी अगली डील की तरफ फोकस करना होगा। तभी एक टीम मेंबर ने कहा, अरे भाई कितना काम करवाओगे ध्रुव, हमें थोड़ा रेस्ट तो लेने दो। ध्रुव ने कहा, हम यहां पर करोड़ों की डील कर रहे हैं, इसलिए हमारा हर एक सेकंड कीमती है। टाइम इज मनी, इस बात को मंत्र बना लो। मैं आप सब लोगों के साथ दिन रात मेहनत करूंगा और हम अपने टारगेट को हर हाल में हासिल करके रहेंगे। और इसी के साथ ध्रुव और उसकी टीम अपनी अगली डील पर काम करने लगे। जिस दिन का ध्रुव को बेसब्री से इंतजार था, आज वो दिन था। आज के दिन उसकी टीम अपनी पहली डील को फाइनलाइज करने वाली थी। इससे एक दिन पहले पूरी टीम ने रात भर जागकर आखिरी समय तक सभी फॉर्मेलिटीज को पूरा किया था और इस बात का खास ख्याल रखा था कि कोई गलती ना हो। टीम के 2 मेंबर्स डील को साइन करने के लिए इंदौर जाने वाले थे। उनके लिए फ्लाइट के टिकट्स अरेंज करना और होटल में रहने के लिए कमरे बुक करने से लेकर हर छोटी बड़ी चीज के लिए पहले से ही अरेंजमेंट्स किए गए थे। ध्रुव की टीम से जो मेंबर्स डील को साइन करने के लिए जा रहे थे, उनमें से एक लीगल और दूसरा फाइनेंशियल एक्सपर्ट था। लीगल एक्सपर्ट ध्रुव की जगह सिग्नेचर करने वाला था, इसलिए उसे ध्रुव ने अपना अटर्नी बना लिया था, जिससे कि वो मेंबर ध्रुव की जगह डिसीजन ले पाए। कॉरपोरेट वर्ल्ड में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती थी कि बड़ी डील साइन करने के लिए सीईओ अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज देता था, क्योंकि बड़े लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं होता था। इंदौर की वो कंपनी जिसके साथ ये डील होने वाली थी, उन्होंने डील के पेपर्स पहले मंगवा लिए थे ताकि
वो अपने लॉयर को इस बारे में बता सके। कंपनी के एग्रीमेंट के टर्म्स से एग्री होने के बाद ही उन्होंने बाकी सभी एग्रीमेंट्स किए थे। ध्रुव के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि आज से वो लोग अपनी फर्म के काम की शुरुआत कर रहे थे। ध्रुव ने इस दिन के लिए बहुत से सपने देखे थे। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि एक दिन वो इतनी बड़ी डील्स करेगा। उसे इस बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका सपना इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। उसके पास आज इतने पैसे थे कि वो आराम से एक स्टार्टअप खड़ा कर सकता था। पैसे कमाने के लिए स्टार्टअप भी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही थी कि ज्यादातर स्टार्टअप बनने के 2 या 4 सालों बाद रिटर्न देना शुरू करते हैं। ध्रुव के पास इतना समय नहीं था कि वो स्टार्टअप के रिटर्न देने का इंतजार कर सके, इसलिए उसे सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट करना था जिससे उसे जल्द से जल्द रिटर्न मिल सके। ध्रुव को इस पहली डील से बहुत सी उम्मीदें थी, क्योंकि जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट करने वाले थे वो फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग थी और आने वाले फ्यूचर में उन्हें एक अच्छे इन्वेस्टर की जरूरत थी। ध्रुव का प्लान आगे के लिए भी पहले से ही सेट था। उसने सोचा था कि एक फॉरेन कंपनी को पार्टनर बनाकर वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता था। ज्यादातर फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया की कंडीशन के बारे में पता नहीं होता था, इसलिए उनके लिए लाइसेंस और दूसरी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। अगर ध्रुव की यह डील सक्सेसफुल हो गई तो उसे बहुत आसानी से 200 करोड़ के रिटर्न की उम्मीद थी। ये रिटर्न प्लांट और बाकी दूसरे डिविडेंड को मिलाकर अज्यूम किया गया था। ध्रुव की टीम ने बार बार मीटिंग्स की और दोनों ही मेंबर्स को इस डील के साइन करते समय बहुत सी बातों को ध्यान में रखने के लिए कहा गया। उन्हें डील साइन करने से पहले हर तरह से इस बात को वेरीफाई करना था कि किसी भी तरह से वो लॉस में न जाए। ध्रुव चाहता था कि लीगली उस प्लांट और कंपनी को टेक ओवर करने के लिए किसी भी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े। कॉरपोरेट वर्ल्ड में टेक ओवर कई तरह से होते थे, जिसमें सबसे कॉमन 2 तरह के टेक ओवर है, पहला फ्रेंडली और दूसरा हॉस्टाइल। फ्रेंडली टेक ओवर में दोनों कंपनीज आपस में एग्रीमेंट कर लेती थी और सहमति की वजह से उनमें भविष्य में किसी भी तरह के कोई मतभेद नहीं रहते थे। हॉस्टाइल टेक ओवर की कहानी अलग होती थी। यहाँ पर दोनों कंपनी के बीच में मतभेद होते थे और कई बार कंपनी के एम्प्लॉयज टेक ओवर से ज्यादा खुश नहीं होते और कंपनी को छोड़ देते थे। नए मैनेजमेंट के लिए ऐसे सिचुएशन को हैंडल कर पाना मुश्किल हो जाता था और ऐसे में कंपनी को जितना फायदा नहीं होता उससे ज्यादा नुकसान हो जाता था। टेक ओवर को रोकने के लिए दूसरी कंपनी दूसरे तरीके अपनाती थी, जिसमें लीगल तरीके सबसे ज्यादा असरदार होते थे। ध्रुव ने इस बात को कंपनी के सामने नहीं आने दिया कि वो आगे चलकर कंपनी को खरीद सकता है, इसलिए उनके बीच आज डील हो रही थी। ध्रुव और उसकी टीम जिस पहली कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे थे उनको पहले से दूसरे लोगों से कंपनी टेक ओवर के लिए ऑफर आ चुके थे, लेकिन उन सब लोगों को कंपनी ने किसी तरह रोक दिया था। इंदौर की कंपनी को ध्रुव में इसलिए इंटरेस्ट था क्योंकि ध्रुव ने उन्हें गवर्नमेंट का सपोर्ट देने की बात कही थी। गवर्नमेंट के सपोर्ट से उन्हें ना सिर्फ सब्सिडी और लोन जैसी सुविधाएं मिलेगी, बल्कि उन्हें एक्सपर्ट कंसल्टेंसी भी मिल सकती थी। जिन कंपनीज के साथ गवर्नमेंट खड़ी रहती है उन्हें फायदा होना आम बात थी। बहुत लंबे समय से भारत में कुछ कंपनीज लगातार फायदे में चल रही थी और उसकी सबसे बड़ी वजह गवर्नमेंट का सपोर्ट था। टीम ने दोनों मेंबर्स को अच्छे से पूरी सिचुएशन समझा कर भेजा था। डील को फाइनलाइज करने में उन्हें 1 हफ्ते का वक्त लगना था। जब दोनों मेंबर्स मुंबई से इंदौर के लिए रवाना हुए तो उसके बाद बाकी लोगों के लिए आने वाले दिन टेंशन भरे थे। दोनों मेंबर्स ने उन्हें पल पल की इन्फॉर्मेशन दी और कंपनी के कुछ मामलों के बारे में भी बताया। दोनों मेंबर्स प्लांट को देखने भी गए और उन्होंने वहां की कुछ पिक्चर्स खींचकर टीम को भेजी ताकि वो सभी लोग देख सके कि प्लांट की करंट पोजीशन क्या थी। ध्रुव इस बात से बिल्कुल अनजान था कि रितेश हीराचंदानी के लोग हर तरफ फैले हुए थे और उन्होंने ध्रुव और उसकी कंपनी के बीच होने वाली डील की पूरी इन्फॉर्मेशन पहले से ही रितेश को दे दी थी। रितेश फ्रस्ट्रेशन में अवनीश कपूर से मिलने गया और उसने पूछा कि इस डील के बारे में वो क्या सोचते हैं। अवनीश कपूर चाहते थे कि ध्रुव विवेक को हरा दे, इसलिए उन्होंने रितेश को गुमराह करने के बारे में सोचा और उससे कहा, ये डील रिस्की है। हम लोग जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि इसमें इतने सारे पैसे इन्वेस्ट किए जा सके। इन्वेस्टमेंट सही टाइम देखकर किया जाता है। ऐसे टाइम पर जब कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है
रिटर्न्स तुरंत नहीं आ सकते, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो डील तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें नुकसान होने वाला है। फिर रितेश ने अवनीश से पूछा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? आखिर बिजनेस में रिस्क तो रहता ही है, ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि उसे फायदा नहीं होगा? क्या ध्रुव का यह प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या ध्रुव और उसकी टीम कामयाब हो पाएंगे, या फिर रितेश की साजिश का शिकार हो जाएगा ध्रुव की यह डील? क्या ध्रुव की टीम में कोई खबरी है? जानने के लिए सुनते रहिए। ये जानकर कि ध्रुव इंदौर में एक डील साइन करने वाला है तो रितेश टेंशन में अवनीश कपूर के पास पहुंच जाते हैं। अवनीश रितेश से कहते हैं, मुझे इस इंडस्ट्री में बहुत समय हो गया है और मैंने करीब से ऐसी चीजों को होते देखा है। रितेश अवनीश की बात पर भरोसा कर लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि इतनी जल्दी किसी भी तरह के एक्शन को लेना सही नहीं होगा। वहीं इंदौर में दोनों टीम मेंबर सक्सेसफुली डील को साइन कर लेते हैं क्योंकि उन्हें कंपनी की सिचुएशन के बारे में पूरी नॉलेज हो गई थी, इसलिए वो अब आगे की स्ट्रेटेजी आराम से बना सकते थे। पहली डील साइन हो गई थी और ये पता चलते ही ध्रुव रिलैक्स्ड हो गया था। ध्रुव ने शिवानी को फोन किया और कहा, आप आज से एक महीने बाद मेरी अपॉइंटमेंट कंपनी के CMD के साथ फिक्स कर दीजिए। मैं खुद जाकर प्लांट में काम को देखना चाहता हूं और उनसे खुद मिलना चाहता हूं। शिवानी ने कहा, ध्रुव क्या इतनी जल्दी प्लांट तैयार हो पाएगा? तुम्हें नहीं लगता कि हम थोड़ी जल्दी कर रहे हैं? ध्रुव ने कहा, हमने उनसे एग्रीमेंट में इस बात पर साइन करवा लिया है कि उन्हें एक महीने के अंदर प्लांट को ऑपरेशन में लाना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो डील कैंसिल हो जाएगी और हम उनसे पैसे वापस ले लेंगे। शिवानी यह सुनकर इंप्रेस हो गई थी। ध्रुव की चालाकी उन्हें फायदे के और करीब ले जा रही थी। बिजनेस में थोड़ा तेज होना जरूरी है, तभी फायदा मिलता है। ध्रुव की इस क्वालिटी से एक बार फिर ये बात साबित हो रही थी कि ध्रुव कितनी आसानी से चीजों को मैनेज कर रहा था। इस बात से जाहिर हो गया था कि वो एक काबिल लीडर था, पर एक बात उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि कहीं उनका ये दांव गलत ना हो जाए। डील में एग्रीमेंट के मुताबिक साइन करते वक्त ध्रुव ने कंपनी को 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए और बाकी का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में किया जाना था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि प्लांट ऑपरेशनल हो सके। प्लांट के शुरू होते ही ध्रुव को रिटर्न मिलने लगे और फिर वो सही मौका देखकर कंपनी को टेक ओवर करने के लिए अपना ऑफर रखेगा। अभी उन्होंने डील फाइनलाइज होने की खुशी मना ही थी कि उन्हें पता चला कि किसी और ने ध्रुव के टेक ओवर के प्लान के बारे में कंपनी को पहले से बता दिया था। ध्रुव की टीम में हलचल मच गई थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बात किसने कंपनी को बताई। ध्रुव का पहला शक अपने टीम मेंबर के ऊपर गया। ध्रुव का प्लान सिर्फ टीम के मेंबर्स को ही पता था। ऐसे में कंपनी का इस बारे में जानना सिर्फ एक बात की तरफ इशारा कर रहा था कि कोई ना कोई टीम मेंबर जरूर ऐसा है जो उनके बीच चल रही सभी कन्वर्सेशन को लीक कर रहा था। ध्रुव ने सभी लोगों की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई और सभी मेंबर्स को ऑफिस में आने के लिए कहा। वो सभी भी बहुत टेंशन में थे क्योंकि इस डील के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। ध्रुव सभी के सामने आया और उसने कहा, कंपनी ने अपने हैंड से डील को कैंसिल कर दिया है। उन्हें नहीं लगता कि वो हम पर भरोसा कर सकते हैं। मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि आपको हायर करने से पहले मैंने आप सभी से नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाया था। इस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा था कि मेरे सामने की गई कोई भी बात आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते और ना ही मेरी आइडेंटिटी से जुड़ी बात किसी को बता सकते थे। मैं चाहता हूं कि जिसने भी ये काम किया है वो खुद ब खुद सामने आ जाए और एक्सप्लेन करे कि ऐसा करने के पीछे क्या कारण था। टीम के सभी मेंबर्स एक दूसरे को देखने लगे लेकिन कोई भी ध्रुव के सामने नहीं आया। ध्रुव का गुस्सा वैसे ही बढ़ चुका था, लेकिन ये देखकर कि जिसने भी वो काम किया था वो सामने नहीं आ रहा था तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। ध्रुव ने कहा, मुझे सब कुछ बर्दाश्त है लेकिन झूठ नहीं। मैंने आप सब लोगों को अपनी मर्जी से काम करने की छूट दी थी और हमेशा सैलरी भी टाइम पर दी और आप लोग मेरे साथ ये कर रहे थे। टीम मेंबर में से एक हिम्मत करके सामने आया और उसने ध्रुव को समझाते हुए कहा, ध्रुव हम में से किसी ने भी ये सब नहीं किया है। उन्हें ये इन्फॉर्मेशन कहीं और से मिली होगी। ध्रुव ने कहा, हम इस बारे में पता लगा लेंगे कि ये किसने किया है। आगे के लिए हमें सतर्क होना पड़ेगा। मेरे बहुत से दुश्मन हैं और शायद आगे इससे भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए हमें बहुत सोच समझकर
हर एक बात को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। आप लोग आने वाले दूसरी डील की तरफ फोकस करें। ध्रुव नहीं जानता था कि बिजनेस वर्ल्ड में ये सब भी होता है, लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि उसे रोकने के लिए कुछ लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। शिवानी और उसकी सिक्योरिटी टीम इस बारे में जांच करने में लगे हुए थे कि आखिर उनकी टीम के बारे में इंफॉर्मेशन किसने लीक की थी। सभी टीम मेंबर्स के बाहर जाने के बाद शिवानी ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, हम दोनों जानते हैं कि ये किसने किया होगा। हमारी टीम इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी हमें किसी पर भी शक नहीं करना चाहिए। ध्रुव ने शिवानी से कहा, अपना काम ठीक तरह से कीजिए, मुझे इस तरीके की गलती दोबारा नहीं चाहिए। ध्रुव टीम मेंबर्स और शिवानी से नाराज था, इसलिए इतना कहने के बाद वो ऑफिस से चला गया। ध्रुव को उसके प्लान में मात देने के पीछे रितेश हीरा चंदानी का हाथ था। रितेश चाहता था कि ध्रुव का अपनी टीम पर से भरोसा उठ जाए और इससे उनके कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी और इस तरह से विवेक को थोड़ा समय मिल जाएगा एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। उनका प्लान काम कर गया था और कंफर्मेशन मिलने के बाद वो अच्छे मूड में था। अपने जीत को सेलिब्रेट करने के लिए रितेश ने एक पुराने क्लब में पार्टी दी। क्लब के वीआईपी लॉन्ज एरिया में रितेश के साथ खास मेहमान बैठा हुआ था। उस मेहमान का नाम था पुलकित चोपड़ा, जो कि पहले एक एनएसजी कमांडो था और बाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस में चला गया। उसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था और उसने हाल ही में अपनी एक नई सिक्योरिटी कंपनी बनाई थी। उनकी कंपनी का नाम वेक्टस था और वो अपने क्लाइंट्स के लिए लीगल और इलीगल हर तरह के काम करते थे। पुलकित के पास प्रोफेशनल्स की टीम थी जो अपने क्लाइंट के लिए हर गंदे से गंदा काम करने के लिए तैयार रहती थी। उनके क्लाइंट्स बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, गुंडे, स्मगलर्स और माफिया होते थे। रितेश को पुलकित के बारे में अपने दोस्त से पता चला था, जो एक पॉलिटिशियन था। रितेश जानता था कि ध्रुव को रोकने के लिए पुलकित से ज्यादा बेटर और कोई नहीं होगा, तो उसने पुलकित को कॉन्टेक्ट किया और उसे ध्रुव के बारे में डिटेल दे दी। पुलकित हंसते हुए रितेश से बोला, कैसा लगा आपको हमारा काम? रितेश हंसते हुए बोला, वंडरफुल, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। उसका सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो पुलकित ने कहा, इतनी आसानी से नहीं सर, मुझे पता है उन्हें हमारे इंफॉर्मेंट के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है, आगे उन्हें और बड़े झटके लगने वाले हैं। रितेश ने कहा, अपना काम जारी रखो, मुझे उस लड़के की हर कमजोरी के बारे में जानना है। अब जब भी हमें मौका मिलेगा उसे आराम से समझा देंगे कि वो सपने देखना छोड़ दे। पुलकित ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रितेश ने आगे कहा, मेरे बेटे पर भी नजर रखो, हो सकता है वो उस चालबाज के जाल में फंस जाए, मुझे उसके हर मूवमेंट की इंफॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए। पुलकित ने कहा, ओके सर, अब मैं चलता हूं, मुझे काफी काम है। पुलकित वहां से चला गया और रितेश मन ही मन खुश होने लगा, क्योंकि अब उसे एक ऐसा प्यादा मिल गया था जिसके सहारे वो ये गेम जीत सकता था। रितेश ने मन ही मन सोचा, ध्रुव, अब तुम क्या करोगे? कैसे अपनी डील को बचाओगे? मैं तुमसे तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारी इमेज, सब कुछ छीन लूंगा और इसके बाद तुमसे डील करने के बारे में कोई नहीं सोचेगा। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा तो मैं तुमसे तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी भी छीन लूंगा। तुमने सोचा कि तुम हमारी बराबरी कर सकते हो? ये इतना आसान नहीं होगा। ध्रुव के ऑफिस से वापस आने के बाद घर पर वो इस बारे में सोचने लग गया कि किस तरह से अब इस डील को बचाया जाए। ध्रुव इस बारे में सोच रहा था कि उसे कंपनी के सीएमडी का फोन आया। ध्रुव ने फोन रिसीव किया और कहा, तो आपने मुझे याद कर ही लिया, मुझे पता नहीं था कि आप कहीं सुनी बातों पर इतना यकीन करते हैं। कंपनी के सीएमडी ने कहा, मिस्टर हीरा चंदानी, मुझे भी नहीं पता था कि आप इस तरह से हमारे साथ धोखा करने का अटेम्प्ट करेंगे। ये कंपनी मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी, मैं इसे इतनी आसानी से किसी के हाथ बिकने तो नहीं दे सकता। तो ध्रुव ने कहा, मेरा आपकी कंपनी को आपसे खरीदने का कोई प्लान नहीं था। मुझे बहुत सी कंपनियों के ऑफर आए, लेकिन मैंने आपकी कंपनी को चुना क्योंकि मुझे पता था कि आप अपने एम्प्लॉयर्स को और अपनी कंपनी को वैल्यू देते हैं। आपके पास इस वक्त चूज करने का ऑप्शन नहीं है। अगर हमारी डील नहीं होती है तो आप
इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। कंपनी के सीएमडी ने गुस्से में कहा, हमें एक इन्वेस्टर की जरूरत है, लेकिन हम आपको टेक ओवर नहीं करने दे सकते। ध्रुव ने सीएमडी को समझाते हुए कहा, मैं अच्छे से जानता हूं कि आपको कैसा लग रहा होगा। मैं आपकी कंपनी को टेक ओवर नहीं करूंगा, तब तक नहीं जब तक आप मुझे खुद ही ऑफर नहीं करते। मैं आपके एम्प्लॉयज को भी मौका दूंगा कि वो इस बारे में डिसीजन ले सके। इस वक्त हमारी डील आपको फंड्स और सपोर्ट देने की हुई है। ये बात आप भी अच्छे से जानते होंगे कि मेरे अलावा और कोई नहीं जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा, और सिर्फ मैं ही हूं जो आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट वापस दिला सकता हूं, वो भी बिना आपकी कंपनी के ओनरशिप छीने। आपके पास एक दिन का वक्त है, इस बारे में अच्छे से सोच लीजिए और इसके बाद मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। कंपनी के सीएमडी ने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है मिस्टर हीराचंदानी, मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको एक दिन बाद बताऊंगा कि हमारा डिसीजन क्या है। इसके बाद सीएमडी ने फोन रख दिया। वहां शिवानी और उसकी पूरी टीम ऑफिस में इस बारे में जानने में लगी हुई थी कि इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच आखिर कैसे हुआ। तभी वहां शिवानी के बॉस आए, उन्हें भी पता चल गया था कि ध्रुव की डील की इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी। उन्हें इस पूरे ऑपरेशन में कुछ शक हुआ और इसलिए उन्होंने सोचा कि शिवानी से इस बारे में पर्सनली बात करना जरूरी था। शिवानी के बॉस ने उससे कहा, शिवानी मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शिवानी को अपने कैबिन में बुलाकर उसके बॉस ने शिवानी की तरफ एक फाइल बढ़ा दी। शिवानी ने उस फाइल को खोला और उसमें एक एक्स सर्विसमैन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। फिर बॉस ने कहा, ये काम मुझे वेक्टर्स का लग रहा है, उनके काम करने का तरीका ऐसा ही रहता है, ये पूरा इंसिडेंट मुझे उसी तरह का लग रहा है। शिवानी ने अपने बॉस से पूछा, सर क्या हमें इनसे परेशान होने की जरूरत है? तो शिवानी के बॉस ने कहा, नहीं, मैं उनके काम करने के तरीके को अच्छे से जानता हूं, अपने सर्विलेंस को और बढ़ा दो और सब हाई अलर्ट मोड में आ जाओ। ध्रुव, उसके दोस्त, उसकी मां, सब लोग खतरे में है। शिवानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बॉस उसे अलर्ट रहने को क्यों कह रहे थे। जो कुछ भी ध्रुव के साथ हुआ उसे कोई भी अंजाम दे सकता था, तो फिर उसके बॉस ने एक सिक्योरिटी कंपनी का नाम क्यों लिया? वेक्टस एक नई कंपनी थी और उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी शिवानी के बॉस उसे अलर्ट होने को कह रहे थे, पर आखिर क्यों? शिवानी ने अपने बॉस से पूछा, क्या आप इस कंपनी को अच्छे से जानते हैं? क्या है पुलकित और शिवानी के बॉस का राज? क्या होगा पुलकित का अगला कदम? क्या ध्रुव अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए